हेलो एवरीवन, मायसेल्फ प्रमोद ढाका, टीम फिजिक्स सीएलसीसी का। तो डियर, इस सेशन में हम हमारा जो यूनिक टेस्ट सीरीज है फिजिक्स इको, जो कि मैथ कैम होने के बाद हुआ है, उसका थर्ड पेपर जो है एनएलएम और फ्रिक्शन का, उसका डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए डियर, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है कि विच फिगर रिप्रेजेंट्स द करेक्ट एफ बी डी ऑफ रोड ऑफ मास स्मॉल एम एज शोन इन द फिगर, कि कौन सा डायग्राम जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है इस रोड के एफ बी डी का। तो देखो, यदि अपन रोड पे बात करें ना, देखो रोड एक तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके सेंटर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी फोर्स लगेगा। उसके अलावा एक यहां पर ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वजह से टेंशन, हमेशा बच्चे जनरली इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर टेंशन किधर अप्लाई करें। ब्लॉक पे हमेशा टुवर्ड्स द स्ट्रिंग अप्लाई करना है, चाहे किसी भी ब्लॉक डायग्राम में हो आप। तो यदि हमने कहा इस वाले केस में टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, तो ऊपर की तरफ टेंशन टी लग गया। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस से बॉडी की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्टिंग होता है। तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस, नॉर्मल को अपन ने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर टू। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर टू कुछ ऐसा है कि मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एट ए एज शोन इन द फिगर। इसको पहले अपन ने सस्पेंड किया। सिचुएशन कुछ ऐसी है इनिशियल केस में कि इस मास को अपन ने इस रोप से सस्पेंड किया है। उसके बाद अनदर रोप इज टाइड एट बी एंड इट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद अ फोर्स कैपिटल एफ। इफ द रोप ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, मतलब इस पे अपन ने फोर्स कैपिटल एफ लगाया, जिसकी वजह से इस रोप ने यहां से थीटा एंगल बनाया। हमें इस रोप में, इधर वाली रोप में टेंशन बतलाना है कितना होगा। हमने कहा देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन कुछ नहीं करेंगे, फोर्स के कंपोनेंट बांटेंगे। इधर फोर्स एफ है, ये वाला एंगल जो है वर्टिकल के साथ, क्योंकि इधर वाला एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इधर टेंशन टी, तो ये कंपोनेंट टी कोस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा। यदि मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियस ही बात है कि टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कैपिटल एफ के इक्वल होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि टेंशन जो निकल के आया है, दैट टेंशन इज एफ डिवाइडेड बाई साइन थीटा। चलिए सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस द सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए थ्री में क्या कहा जा रहा है कि ए ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन विद द हेल्प ऑफ अ रोप व्हिच मूव्स विद वेलोसिटी वी, कि एक ब्लॉक को एक रोप की हेल्प से वी वेलोसिटी से इधर अपन ड्रैग कर रहे हैं। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अपन एक तो कंस्ट्रेंट मोशन से कर सकते हैं, एक अपन इस टाइप के मोशन को वर्चुअल वर्क वाले मेथड से कर सकते हैं। अपन इसमें कंस्ट्रेंट से मूव करेंगे। देखो यदि अपन कंस्ट्रेंट से बात करें, ऑब्वियसली कि ये वर्टिकल हाइट जो है ना वाई, दिस विल नॉट चेंज। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगी, दिस चेंजिंग रेट, यदि मैं dx बाई dt लिखूंगा, देन dx बाई dt इज द वेलोसिटी ऑफ मास कैपिटल m। ये लेंथ है अपने पास l। अब ये जो लेंथ है ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूविंग है, तो dl बाई dt, वैसे देखो ब्लॉक की वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी माइनस dx बाई dt, और रोप के लिए जब अपन लिखेंगे तो माइनस dl बाई dt दैट डाटा इज v। तो अभी गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग वी कैन अप्लाई दैट l स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लेट्स डिफरेंशिएट इट, देन ट्वाइस l dl बाई dt। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बाई dt एंड y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से यदि मैं बोलूं तो dx by dt की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, दैट वैल्यू इज कमिंग एज l by x साथ में dl by dt। अब dl by dt माइनस में, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लॉक की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ रही है, x by l इज व्हाट, cos थीटा, तो दिस इज v डिवाइडेड बाय cos थीटा। सो अकॉर्डिंग टू दिस द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में बोला गया दैट अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, एंड द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अनदर बॉडी ऑफ मास m2। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू m1 प्लस m2 देन द एक्सेलरेशन विल बी, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बॉडी m1 मास वाली पर लगाया तो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, m2 मास वाली पर लगाया तो एक्सेलरेशन 6 आया। यदि m1 प्लस m2 मास वाली पर लगाएंगे देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो हमने कहा देखो सिंपल सी बात, पहली वाली बॉडी का मास कितना आया, एफ वाई फोर,
दूसरी वाली बॉडी का मास कितना आया, एफ बाई सिक्स। अब यदि कंबाइंड में एम वन प्लस एम टू हो तो एक्सेलरेशन होगा एफ अपोन एम वन प्लस एम टू। सो दिस डाटा विल बी एफ डिवाइडेड बाई एफ बाई फोर प्लस में एफ बाई सिक्स। सो दिस विल बी थ्री बाई ट्वेल्व, टू बाई ट्वेल्व, फाइव बाई ट्वेल्व। सो दिस डाटा कम्स एज ट्वेल्व बाई फाइव। सो ट्वेल्व बाई फाइव, देन द करेक्ट आंसर इज 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव में बोला गया दैट अ मासलेस स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू 2 केजी ट्रॉली एंड यूज्ड टू पुल द ट्रॉली अलोंग अ फ्लैट स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर। द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस रिमेंस एट 10 केजी ड्यूरिंग द मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली इज। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक ट्रॉली के साथ अपन ने एक स्प्रिंग को अटैच कर रखा और इस स्प्रिंग में टेंशन हमेशा 10 केजी के इक्वल रहता है। मतलब 10 केजी स्प्रिंग की रीडिंग है, मतलब फोर्स कितना 100 पुली पर। अब यहां पर देखो जी की वैल्यू 9.8 ली गई है, ठीक है। तो अपन ने कहा फोर्स, चलिए ठीक है फोर्स हो गया अपने पास कितना 10 इंटू में 9.8 98। और उसकी वजह से आप 2 केजी के किसी ब्लॉक को एक्सेलरेट करवा रहे हो, तो बहुत सिंपल सी बात है कि द एक्सेलरेशन कम्स एज 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज देर इज नो फ्रिक्शन। बोला गया कि स्मूथ सरफेस है, क्षैतिजहीन घर्षण सतह पर खींचा जा रहा है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइव के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में बोला जा रहा है थ्री ब्लॉक्स ए बी सी आर सस्पेंडेड एज शोन इन द फिगर, मास ऑफ ईच ब्लॉक कैपिटल ए एंड कैपिटल सी इज स्मॉल एम, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड द मास ऑफ बी इज कैपिटल एम देन। कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मास कैपिटल एम है, इस वाले का स्मॉल एम है, इस वाले का स्मॉल एम है, तो अपने को इसके लिए बात करनी है। तो हमने कहा देखो बहुत सिंपल सी बात, ऑब्वियसली देखो यहां जो टेंशन होगा, यदि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन एम जी के इक्वल होगा। यदि मैं ब्लॉक कैपिटल बी की बात करूं तो कैपिटल बी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कैपिटल एम जी, इधर भी टेंशन टी होगा, इधर भी टेंशन टी होगा। लेट्स सपोज सिमेट्री है तो एंगल भी सेम होंगे, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। मैंने कहा देखो भाई इधर जो मेरे पास है इस टी का इधर वाला कंपोनेंट टी कोस थीटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट टी कोस थीटा, टी साइन थीटा विल कैंसिल आउट। अपवर्ड डायरेक्शन में 2t cos theta लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल mg लग रहा है, और t की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, स्मॉल mg। तो ट्वाइस स्मॉल mg cos theta, दैट वैल्यू कम्स एज कैपिटल mg। अब देखिए g तो सही हो गया, अब यहां से क्या है, वी कैन से दैट देखो cos theta इज जनरली लेस देन 1, इफ cos theta इज लेस देन 1 देन कैपिटल m इज लेस देन 2 into स्मॉल m। सो फॉर दिस इक्विलिब्रियम द कैपिटल m शुड बी लेस देन 2 into स्मॉल m। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिक्स के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सेवन। इसमें क्या बोला जा रहा है, द रीडिंग सोन इन टू स्प्रिंग बैलेंसेज एस वन एंड एस टू इज 90 केजी एंड 30 केजी रेस्पेक्टिवली एंड द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस वन इज एलोंगेटेड एंड एस वन इज एस टू इज कंप्रेस्ड, द मास इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, देन द मास ऑफ द ब्लॉक विल बी। मतलब इस सिस्टम में ये स्प्रिंग एलोंगेटेड है और ये वाली स्प्रिंग जो है कंप्रेस्ड है, और मुझे इस ब्लॉक का मास कैलकुलेट करना, और सिस्टम जो ना लिफ्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। तो इस सिचुएशन में सुनो, ये एलोंगेटेड है, तो इस मास स्मॉल m पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी 900, भाई 90 केजी तो 900 90 जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाली कंप्रेस्ड है तो इस पर इधर फोर्स लगाएगी, दैट फोर्स विल बी 300। अब इसके अलावा इस ब्लॉक पर एक फोर्स तो mg लगेगा नीचे की ओर, और एक फोर्स लगेगा ma डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन g के इक्वल है तो 2mg हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, और अपवर्ड में कितना हुआ 900 प्लस 300 दैट इज 1200। सो 1200 कम्स एज ट्वाइस mg, g इज 10। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट द मास ऑफ द ब्लॉक इज 60 kg। सो अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है, दैट अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ कैपिटल एन एंड मास कैपिटल एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज एज शोन इन द फिगर, बोथ एंड्स ऑफ द रोप एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, द रोप इज इनिशियली रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रोप इज। मतलब रोप जो है ना वो यूनिफॉर्म है, मास कैपिटल एम है, लेंथ कैपिटल एल है, और इसको अपन ने गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग छोड़ा है। इनिशियली ये जो रोप के जो दोनों भाग है ना ये समान क्षैतिज स्तर पर है, तो हमने कहा भी देखो ऐसा है, इस केस में अपन जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो अपन कहते हैं नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। यदि मैं m मास रखता हूं इंक्लाइन प्लेन पर तो अलोंग द प्लेन द फोर्स इज mg sin थीटा। अब इस वाले केस में देखो, मान लो मैंने कहा ये वर्टिकल हाइट h है,
ये वाला जो पोर्शन होगा इसकी हाइट हो जाएगी h बाई साइन थीटा। अब जब एंगल अल्फा है तो h बाई साइन अल्फा। तो हमने कहा जी इधर जो फोर्स लगा वो लगा पर यूनिट लेंथ मास को लैम्डा कह देते हैं, तो लैम्डा इंटू में h बाई साइन अल्फा दैट इज द मास इंटू में साइन अल्फा इंटू में जी। अब साइन अल्फा से साइन अल्फा सही हो गया तो लैम्डा h इंटू जी लगा, मतलब दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। तो इधर वाले केस डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स आ रहा लैम्डा एच जी और इधर वाले डायरेक्शन में भी पुलिंग फोर्स आएगा लैम्डा एच जी, लैम्डा इज कैपिटल एम बाई कैपिटल एन। तो नेट जो फोर्स लग रहा है दोनों डायरेक्शन में इक्वल लग रहा है, सो इन दिस केस द नेट फोर्स इज जीरो, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए एट्थ के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं। नाइन में क्या बोला गया है, द टू ब्लॉक्स एम1 एंड M2 कनेक्टेड बाई ए वेटलेस रोड ऑन अ प्लेन हैविंग इंक्लिनेशन ऑफ 37 डिग्री, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ M1 एंड M2 विद द इंक्लाइंड प्लेन्स आर म्यू इज इक्वल टू 0.25 ईच, हर एक के लिए सेम है, देन द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स विल बी। ओके देखो बहुत सिंपल सी चीज है, यदि आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना चाहे ना देन दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि जो एक्सेलरेशन इसका होगा ना वही एक्सेलरेशन इसका होगा, और एक्सेलरेशन होगा कितना, इन दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी जी साइन 37 माइनस में म्यू कोस 37। एक बार निकाल लेते हैं डाटा को ना, जी इज 10 साइन 37 3 बाय 5 म्यू इज हाफ 1 बाय 4.25 एंड दिस इज 4 बाय 5 सो दिस इज 3 बाय 5 1 बाय 5 2 बाय 5 10 इंटू 2 बाय 5 The acceleration comes as 4 meter per second square. यदि दोनों ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं और वो भी mg और μmg cos मतलब mg sin theta और μmg cos theta की वजह से, तो और कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, तो इस रोड जो बीच में कनेक्टेड है इस रोड में किसी टाइप का कोई टेंशन नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाएं बात को, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में क्या कहा जा रहा है, दैट 60 kg बॉडी इज पुश्ड हॉरिजॉन्टली विद जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट moving across a floor and the same force continues to act afterwards, okay? मतलब वस्तु को अपन ना ब्लॉक को horizontal direction में force लगा रहे हैं, otherwise motion start करने के लिए जो minimum required force होता that is different, तो उसको तो अपन theta देख के और उसकी value आती है mg upon under root 1 plus mu square, वो नहीं है, हमने horizontally लगा कि minimum required force लगाया है, तो इस case में जो minimum required force होगा that will be mu s into mg, okay? Same force continues to act afterwards. The coefficient of static friction and sliding frictions are 0.5 and 0.4. The acceleration of the body is. तो अब देखो यदि ये force इधर लग रहा है horizontal direction में, तो opposite direction में kinetic friction लगेगा that will be mu k into mg. तो यदि मैं system के acceleration की बात करूँगा इस block के that will be mu s into mg minus में mu k into mg divided by mass m. So the acceleration comes as mu s minus mu k into mein z. So this is 0.5, this is 0.4. So 0.5 minus 0.4 that is 0.1 into mein z. That is acceleration is 1. So in this case mein jo acceleration aa raha hai na body ka, that acceleration comes as 1 meter per second square. Chaliye aage badhate hain baat ko. 10 ke baad question number 11. Dekhiye 11 mein kya kaha ja raha hai? That a ladder of mass 10 kg is held at rest against a smooth wall on a rough ground as shown in the figure. Okay? Matlab wall smooth hai. Theek hai? और ग्राउंड जो है ना वो रफ है, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द लैडर, वॉल और लैडर के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात की गई है। हमने कहा देखो ऐसा है, वॉल जो है ना लैडर पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगी, लेट्स सपोज दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज N1, ग्राउंड इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा दैट इज N2। अब इसकी स्लिप होने की टेंडेंसी इधर होगी, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, इसके अलावा इस पर एक फोर्स mg एक्ट करेगा। हमने कहा देखिए ऐसा है, मुझे ये फोर्स चाहिए, तो यदि मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लूं सिस्टम का, एक पुट इट इक्वल टू जीरो, इस टॉर्क को यदि मैं जीरो के इक्वल पुट कर देखता हूं, तो देखो एक्चुअली मैं एंड, क्योंकि सिस्टम स्लिप तो हो ही नहीं रहा ना, तो रोटेट भी नहीं कर रहा, फिर रोड स्टेशनरी है, तो नेट टॉर्क जीरो होगा। तो हमने क्या एक्चुअली पॉइंट ऐसा चूज किया जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज लग रहे हो ताकि उन फोर्सेज का टॉर्क जीरो आ जाए, N2 और F का टॉर्क हो गया जीरो सीधा सीधा। अब mg का जो टॉर्क होगा दैट विल बी mg और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसकी, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी l बाई 2 cos 60 और यहां से यदि मैं सोचूंगा N1 तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी l sin 60। ऑब्वियसली mg और N1 का टॉर्क अपोजिट है, तो ये वाला डाटा N1 l sin 60।
अब cos 60 जो है दैट इज 1 बाई टू एंड sin 60 इज रूट 3 बाई टू, तो mg इज 100 ना, तो 100 इंटू में l बाई टू, साथ में cos 60 इज 1 बाई टू एन वन इंटू में l sin 60 इज रूट 3 बाई टू, 1 बाई टू से 1 बाई टू कैंसिल आउट हो गया, l से l सही हो गया, दिस डाटा इज 100 बाई टू दैट इज 50, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन दैम कम्स एज 50 डिवाइडेड बाई रूट 3. This is the normal reaction force between the wall and the ladder. So according to this, third one is the correct answer. चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को. Question number 11 के बाद अगले question की बात करते हैं. Question number 12. That the upper portion of an inclined plane of inclination alpha is smooth and the lower portion is rough. A particle slides down from rest from the top and just comes to rest at the bottom. If the ratio of the smooth length to the rough length is m raised to n, then the coefficient of friction is. मतलब question कुछ ऐसा है कि ये एक वेज है, ये वाला एंगल थीटा है और ये बोल रहा है कि घर्षणहीन, मतलब ऊपर का कुछ भाग जो है घर्षणहीन है, नीचे का खुरदरा, नीचे का भाग खुरदरा है और इसमें जो रेशियो चल रहा है ना, मतलब जैसे मैं कहूं कि ये वाला रेशियो, ये एम रेशियो एन है, तो मैं कहूं ऊपर की लेंथ यदि एम एल है तो नीचे की लेंथ एल एन हो जाएगी और बॉडी यहां से यहां तक चलती भी आ रही है. अब देखो जनरली ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये अपन देखते हैं एनएलएम और फ्रिक्शन में, जबकि ये क्वेश्चन मतलब मोस्ट ऑफ द बुक्स में अपन को एनएलएम फ्रिक्शन में मिलता है, जबकि आई सपोर्ट कि अपन इस क्वेश्चन को वर्क पावर एनर्जी से करें तो क्वेश्चन बहुत ईजी पड़ता है. कैसे, जैसे बॉडी यहां से यहां चल के आई तो रेस्ट से रेस्ट का मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो, तो mg sin थीटा का वर्क तो हुआ mg sin थीटा साथ में ml प्लस nl और म्यू एम जी कोस थीटा का वर्क डन हुआ दैट इज म्यू एम जी कोस थीटा इनटू में एनएल, दोनों का वर्क डन, एम जी साइन थीटा का पॉजिटिव होगा म्यू एम जी कोस थीटा, अपन चाहें तो वर्क एनएलएम फ्रिक्शन के तरीके से प्रॉपरली कर सकते हैं बट दैट मेथड विल बी समवॉट लेंथी, ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा अपने को. अब देखो यहां से एम जी से तो एम जी कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा दैट इज टेन थीटा एंड दिस इज एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एन एंड दैट इज म्यू. क्वेश्चन में एंगल को अल्फा ले रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो अपने पास आ रहा है दैट इज एम प्लस एन डिवाइड बाई एन इंटू में टेन अल्फा, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है दैट ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स पी अनदर फोर्स क्यू इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस फॉर विच द ब्लॉक रिमेन इन इक्विलिब्रियम इज, मतलब ब्लॉक मुझे ना इक्विलिब्रियम में चाहिए तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. देखो बेटा इस पर यदि मैं फोर्सेस की बात करता हूं ना, तो क्यू के कंपोनेंट डाल दो, तो क्यू का इधर वाला कंपोनेंट तो क्यू कोस थीटा आ जाएगा और एक इधर पी पहले से लग रहा और एक इधर क्यू का कंपोनेंट क्यू साइन थीटा आ जाएगा. ब्लॉक पर सोचेंगे तो mg ऑब्वियसली नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी म्यू इनटू n. मैं ये चाहता हूं कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे, तो देखो नॉर्मल तो जो है ना वो mg प्लस q cos थीटा की इक्वल है और p प्लस q sin थीटा दैट इज द ड्राइविंग फोर्स एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू में नॉर्मल, नॉर्मल इज mg प्लस q cos थीटा. So in this situation, this mu should be greater than equal to p plus q sin theta divided by mg plus q cos theta. So from here I can say that the minimum value of friction is p plus q sin theta divided by mg plus q cos theta. Okay? So according to this, the first one is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 13 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, कि एक 5 केजी का मास है उसको रेस्ट से एक्सेलरेट किया 60 मीटर पर सेकंड तक एक सेकंड में, व्हाट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. तो मैंने कहा एक्सेलरेशन की वैल्यू तो होगी ना, वो तो हो जाएगी वी बाई टी. भाई देखो कॉन्स्टेंट फोर्स है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू जीरो है तो एक्सेलरेशन कम से 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब अपने से फोर्स पूछा गया है तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15. देखो ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं पीछे बोल रहा था ना, अपन ऐसे क्वेश्चंस को कंस्ट्रेंट से भी कर सकते हैं और वर्चुअल वर्क मेथड से भी हिट कर सकते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एट अ गिवन इंस्टेंट ए इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी एट दैट टाइम, कि बी की वेलोसिटी क्या होगी. तो ऑब्वियसली देखो ए ऊपर जा रहा है तो बी नीचे जाएगा और अपने को इस वाले केस में अप्लाई करना होता है, अपन इसको डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन सब में लगा सकते हैं और अपने को अप्लाई ये करना है कि समेशन टी डॉट वी शुड बी इक्वल टू जीरो. अब सुनो बात को,
यदि इसमें टेंशन टी है ना, तो ये घूम फिर के इधर आया, इसमें भी टेंशन टी होगा और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन होगा 2t, तो ए पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, मतलब टेंशन लग रहा है 3t, और ए की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है va, और बी की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है vb, तो समेशन टी डॉट वी मुझे जीरो लगाना है। तो एक तो फोर्स लग रहा है 3t इंटू में va, साथ में कोस जीरो, और इसमें लग रहा है टी इंटू vb, साथ में कोस 180। तो vb की वैल्यू जो मेरे पास सोल्व करने पर आ रही है, दैट वैल्यू इज कमिंग एज थ्राइस va, तो va 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड है, तो दिस डाटा विल बी 15 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया थ्री बुक्स रेस्ट ऑन ए टेबल, की तीन किताबें एक्स वाई जेड टेबल पर विराम में है, वेट ऑफ ईच बुक इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम, हर एक बुक का डायग्राम में वेट बताया गया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक वाई, जो किताब वाई है उस पर नेट फोर्स कितना। देखो एक बहुत सिंपल सी बात सुनो, कि बॉडी यदि रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। सिंपल सी बात, बस इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कि आप नॉर्मल के साथ लगे, थोड़ी सी माथापोड़ी करें, बट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि बॉडी रेस्ट में है, देन व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज ऑब्वियसली व्हाट, जीरो। चलिए सर आगे बात करते हैं 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया दैट ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, लेट कैपिटल n, fl एंड कैपिटल f रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कॉमा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, लेट म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल fl एंड कैपिटल f विद थीटा इज इंडिकेटेड बाय प्लॉटिंग ग्राफ्स एज शोन इन फिगर। तो कर्व 1 2 और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ब्लॉक को अपन ने इंक्लाइंड प्लेन पर रखा और उसके थीटा के साथ चीजों का डायग्राम इंडिकेशन करना है। मैंने कहा सुनो देखो ऐसा है, एक तो मेरे को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो हमेशा एमजी कॉस थीटा से वेरी करेगा। एक लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की है मैंने, फ्रिक्शन स्टैटिक काइनेटिक किसी की बात की, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एमजी कॉस थीटा, तो ऑब्वियसली डायग्राम इससे नीचे की तरफ आएगा। तो यदि अपन इस डायग्राम में बात करते हैं ना, तो दूसरा तो नॉर्मल को और तीसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैसे भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। मुझे कैपिटल एफ के बारे में बात करनी है, व्हाट इज कैपिटल एफ, कैपिटल एफ इज द नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो नेट फोर्स जो होता है ना, वो तब एक्ट करना स्टार्ट करता है जब mg sin theta mu mg cos theta से ग्रेटर होता है, उससे पहले नेट फोर्स नहीं लगता है। तो नेट फोर्स जब लगेगा, मतलब एक थीटा की लिमिटिंग वैल्यू के बाद में लगेगा, तो नेट फोर्स का जो डायग्राम होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, कि किसी लिमिट किसी वैल्यू के बाद, थीटा की पर्टिकुलर किसी वैल्यू के बाद, मतलब तब tan थीटा ग्रेटर देन म्यू होगा, आफ्टर दैट नेट फोर्स स्टार्टेड टू एक्ट ऑन द बॉडी, अदरवाइज नेट फोर्स विल बी, मतलब वैल्यूज में नेट फोर्स तो हमेशा लगेगा, बट बिफोर दैट नेट फोर्स विल बी जीरो। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पिछले में थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है इन ऑर्डर टू रेज ए मास ऑफ 100 kg, ए मैन ऑफ मास 60 kg फर्स्ट टर्न्स ए रोप टू इट एंड पासेस द रोप ओवर ए स्मूथ पुली। ओके, कि एक 100 केजी का द्रव्यमान है, इसको उठाने के लिए एक बंदा जो है वो इसको रस्सी के एक सिरे से बांधता है और दूसरे पार्ट को इधर क्रॉस करवा देता है, ऊपर से गुजारता है। व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी, व्यक्ति रस्सी के सापेक्ष ऊपर की ओर 5 g/4 के रस्सी के सापेक्ष ऊपर की ओर 5g/4 त्वरण से चढ़ता है, रस्सी में तनाव पूछा है, मतलब रस्सी के सापेक्ष जा रहा है, इस बात पर गौर करना पड़ेगा यहां। मतलब जैसे मैं कहूं कि सुनो, इसका एक्सेलरेशन यदि a1 है और बंदा भी क्या कर रहा है, रस्सी को पकड़ के और ऊपर की तरफ जा रहा है, और बंदे का एक्सेलरेशन a2 है ना, तो रस्सी के रिलेटिव उसका एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन विल बी a1 प्लस a2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो a1 प्लस a2 की वैल्यू जो दी गई है ना, दैट वैल्यू इज गिवन एज 5g/4 पहला। दूसरा, अब जा दोनों ही ऊपर की ओर रहे हैं, हाँ ऑब्वियसली जो व्यक्ति के नीचे, जो मैन के नीचे की स्ट्रिंग होगी दैट विल बी टेंशन फ्री। तो हमने कहा सबसे पहले तो इस 10 kg वाले पर बात करते हैं, 100 kg वाले पर, सॉरी। तो मैंने कहा इस पर जो फोर्स लगा ऊपर की तरफ टेंशन टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100g, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 100 इनटू एक्सेलरेशन a1। बंदे पर लगा टी माइनस 60g इज इक्वल टू 60 a2, और a1 प्लस a2 इज 5g/4। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, टी बाई 100 प्लस में टी बाई 60 माइनस में 20, मतलब एड, मैंने 100 से डिवाइड किया, 60 से डिवाइड किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मेरे पास a1 प्लस a2 बचा, दैट वैल्यू इज 5g/4।
तो यहाँ से टी बाई 100, टी बाई 60, सो 8 टी बाई 300 लिख देंगे, 20 को उधर ले जाएंगे, तो फ्रॉम हियर इफ यू कैलकुलेट द डाटा देन द आंसर कम्स एज 1218 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया दैट ए स्पीयर ऑफ मास स्मॉल एम इज हेल्ड बिटवीन टू स्मूथ इंक्लाइंड वॉल्स, ओके, दो स्मूथ इंक्लाइंड वॉल्स के बीच में हेल्ड किया है। द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल्ट 2 इज इक्वल टू, वॉल्ट 2 का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा? ठीक है सर, हमने कहा देखिए ऐसा है, यदि मैं इन दोनों वॉल्स के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, यहां पर स्पीयर है, इसका जो नॉर्मल लग रहा होगा ना वो वर्टिकल से 37 पर लग रहा होगा, दैट इज N1, और इसका जो नॉर्मल लग रहा होगा ना बेटा वो वर्टिकल से 74 पर लग रहा होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg लग रहा होगा। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको पता होगा कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में जो नॉर्मल लगता है, देखो ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला भी थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो यदि मैं वर्टिकल से देखूं तो थीटा ऑब्वियसली प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, प्लेन ओरिजेंटल से थीटा एंगल पर है तो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा एंगल पर होगा। अब इस वाले केस में इधर लगा नॉर्मल N2, मैंने कहा देखो N1 का जो इधर वाला कंपोनेंट है, N1 का इधर वाला N1 साइन 37, वो N2 के ओरिजेंटल कंपोनेंट के इक्वल, मतलब N2 साइन 74 के इक्वल होगा। दूसरा N1 का इधर वाला कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में N1 cos 37, वो डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा है एक तो mg और एक लग रहा है N2 का कंपोनेंट, दैट इज N2 cos 74, दो फोर्सेस लग गए। ठीक बात है, बोले जी ठीक है, N1 cos 37 is mg plus N2 cos 74। नेक्स्ट यदि मैं इसमें बात करूं तो मैं N1 के प्लेस पर देखो क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं, आई कैन पुट N2 sin 74 डिवाइडेड बाई sin 37, तो N1 इज, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं ना। तो अब यदि अपन इस इक्वेशन से N1 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, देखो ये वाली वैल्यू मेरे पास आई N2 sin 74 इंटू में cos 37 डिवाइडेड बाई साइन 37 माइनस में N2 cos 74, दैट वैल्यू इज mg। तो एक काम करते हैं देखो साइन 74 को लिखते हैं 2 साइन 37 cos 37, साइन 37 तो गया और cos 37 मल्टीप्लाई हो गया, तो दिस डाटा बिकम्स एज 2 N2 cos स्क्वायर 37 माइनस में N2 cos 74 जो है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 37 माइनस में 1, दैट वैल्यू कम्स एज mg। तो 2N2 cos स्क्वायर 37, 2N2 cos स्क्वायर 37, ये तो सही हो गया, माइनस माइनस प्लस, N2 की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज mg। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है वोल्ट 2 के थ्रू, दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज mg। अपन यहां से N1 कैलकुलेट करना चाहें तो अपने पास इक्वेशन है, फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट N1। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो इसके आंसर की बात करें ना वहां पे, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 में कहा जा रहा है ऑल सर्फेसेस सोन इन द फिगर आर स्मूथ, ठीक है, सिस्टम इज रिलीज्ड विद द स्प्रिंग एंड स्ट्रेस्ड, इन इक्विलिब्रियम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल बी, कि इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा। ठीक है, विराम से छोड़ दिया, स्प्रिंग प्रारंभ प्राकृतिक अवस्था में, साम्य अवस्था में स्प्रिंग में संपीड़न बताना है। मैंने कहा देखो ऐसा है, यदि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में kx फोर्स लगा रही होगी, और एक ये जो है ना ये इस पर इधर नॉर्मल लगा रहा होगा n, ये वाला एंगल 45 है, तो n का इधर वाला कंपोनेंट n/√2 और वर्टिकल कंपोनेंट n/√2। मैंने कहा ये स्टेशनरी है इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब n/√2 नॉट स्टेशनरी इक्विलिब्रियम, तो n/√2 किसके इक्वल है, एक तो kx के। अब दूसरा यदि मैं स्मॉल m कैप bd की बात करता हूं ना, तो स्मॉल m पर इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, जिसके फिर वही दो कंपोनेंट n 45 एंगल की वजह से n/√2 और n/√2 होंगे, एक स्मॉल m पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा और एक स्मॉल m पर वॉल के थ्रू nw लगेगा। तो हम इस केस में हॉरिजॉन्टल और मतलब वर्टिकल कंपोनेंट को ब्रेंस करते हैं, तो ऊपर लग रहा है n/√2, नीचे लग रहा है स्मॉल mg, तो यहां से n/√2 स्मॉल mg के इक्वल आया,
तो एक्चुअली में आपका के एक्स स्मॉल एम जी के इक्वल आ गया, तो एक्स की वैल्यू जो अपने पास आ रही है इस इक्वेशन में दैट इज एम जी बाई स्मॉल के, सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब डायग्राम देख के डराया है, पता नहीं क्या पूछ लिया गया है। 21 इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर पुली इज स्मूथ एंड मासलेस, ठीक है, ऑल द स्ट्रिंग्स आर लाइट, एफ1 एंड एफ1 बी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग इन केस फर्स्ट, की पुली पर स्ट्रिंग्स के थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो एफ1 लग रहा है पहले केस में, और दूसरे केस में जो फोर्स लग रहा है वो एफ2 लग रहा है, तो हमें एफ1 और एफ2 में रिलेशन बताना है। देखो सिंपल सी बात, इधर भी तो मास 2m ही जा रहा है नीचे, तो इस वाले पार्ट में टेंशन चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली यहां ये पार्ट नहीं है तो इसमें टेंशन कुछ अलग आएगा, लेकिन यदि मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो इसमें टेंशन, यदि यहां टेंशन टी है तो इसके इस पार्ट्स में भी टेंशन क्या होगा, टी। तो इसने पुली की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया 2t, इधर भी इसने पुली की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगाया 2t, तो दोनों केसेस में स्ट्रिंग्स ने सेम फोर्स लगाया, तो f1 इज इक्वल टू f2। चलिए 21 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कि ऑल सर्फेसेस शोन इन द फिगर आर स्मूथ, ओके, फॉर व्हाट रेशियो ऑफ m1 m2 एंड m3 सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। चित्र में दर्शाएगी सभी सतह घर्षणहीन है, ठीक है, m1 m2 के किस अनुपात के लिए निकाय जो है विराम में रहेगा, ठीक है, यदि ये सिस्टम रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में है, मान के लिए निकाय साम्यावस्था में रहेगा। चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, यदि ये सिस्टम विराम में रहेगा या साम्य, ऑब्वियसली रुका हुआ रहेगा तो साम्यावस्था वाली सी बात है ना, तो हमने कहा देखो ऐसा है कि इस पर इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लगा m1g sin 30, इधर फोर्स लग रहा है टी, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, तो इधर लग रहा है 2t, तो इधर फोर्स लग रहा है m2g, और इधर फोर्स लग रहा है टी, और इस पर इधर की ओर लग रहा है क्या m3g। तो मैं टी की इक्वेशन से बात करूं तो पहले वाले के अकॉर्डिंग तो टी है m1g/2, फिर इसमें 2t m2g के इक्वल है तो टी है m2g/2 के इक्वल, और तीसरे वाले केस में टी जो है वो किसके इक्वल है, m3g के इक्वल है, तो ये तो सही हो गया। m1 की वैल्यू 2t, m2 की वैल्यू 2t, और m3 की वैल्यू कितनी t, तो जैसे ही अपन रेशियो लेंगे m1 रेस्ट टू m2 रेस्ट टू m3, दैट रेशियो कम्स एज 2t रेस्ट टू 2t रेस्ट टू t, सो दिस रेशियो कम्स एज 2 रेस्ट टू 2 रेस्ट टू 1, सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है कि एन इलास्टिक स्प्रिंग एज अ लेंथ L1 व्हेन टेंशन इज दिस टेंशन इन इट इज 4 न्यूटन, की प्रत्यास्थ स्प्रिंग की लंबाई 4 न्यूटन के अंतर्गत L1 है और 5 न्यूटन के अंतर्गत L2 है, स्प्रिंग की लंबाई क्या होगी जब इस पर फोर्स जो है दैट फोर्स इज 9 न्यूटन। तो हमने कहा देखो ऐसा है, यदि स्प्रिंग की लेंथ L है तो के L1 माइनस में L दैट वैल्यू इज इक्वल टू 4, दूसरे केस में के L2 माइनस L इक्विलिब्रियम चल रहा होगा दैट वैल्यू इज व्हाट 5, और मुझे L3 बताना है और उसमें मैं लिखूंगा के L3 माइनस L दैट वैल्यू कम्स एज व्हाट 9, ठीक बात है, सही। अब देखो यहां से सबसे पहले मुझे इक्वेशन सोल्व करके, जैसे यहां से मैं लिखूंगा L1 माइनस L दैट वैल्यू इज 4/k एंड L2 माइनस L दैट वैल्यू इज 5/k, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दूं L2 माइनस L1 दैट वैल्यू कम्स एज 1/k, ओके। दूसरा केस यदि मैं दोनों को डिवाइड मार दूं तो L1 माइनस L अपॉन L2 माइनस L दैट वैल्यू कम्स एज 4/5, मल्टीप्लाई कर दूं 5L1 माइनस में 5L इज इक्वल टू 4L2 माइनस में 4L, तो प्लस में L लिख दूं सीधा, मतलब L की वैल्यू जो है वो 5L1 माइनस में 4L2 के इक्वल है। डाटा पुट कर देते हैं बेटा L3 की वैल्यू जो मेरे पास आएगी दैट इज 9/k प्लस में L, देखो 1/k इज दिस, तो 9L2 माइनस में 9L1 प्लस में L इज व्हाट 5L1 माइनस में 4L2, तो डाटा क्या बचा 5L2 माइनस में 4L1, तो 5L2 माइनस 4L1 सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाएं बात को, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24, देखिए क्या कहा जा रहा है कि पुली शोन इन द डायग्राम इज फ्रिक्शनलेस, एट ऑफ मास 1 kg मूव्स ऑफ द मासलेस, ओके डियर। तो अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया दैट ए पुली शोन इन द डायग्राम इज फ्रिक्शनलेस, ओके क्वेश्चन का डायग्राम जो है स्लाइड में मिस हो गया, अपन बना लेते हैं, आपके पेपर में गिवन है डायग्राम। डायग्राम कुछ इस टाइप का है कि अपने पास यहां पर एक पुली लगी हुई है, पुली के साथ एक 2 kg का ब्लॉक यहां पे लगा हुआ है,
इसको अपन ने ग्राउंड पे रखा हुआ है, यहां पर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ यहां पर एक कैट अटैच्ड है। बोला ये जा रहा है कि ए कैट ऑफ मास 1 केजी मूव्स अप ऑन द मासलेस स्ट्रिंग सो एज टू जस्ट लिफ्ट ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी, मतलब ये लिफ्ट कर सकता है, जस्ट इसको उठा सकता है, ठीक उठा सके। इसका मतलब इस पर जो टेंशन लग रहा होगा दैट टेंशन विल बी व्हाट 20 न्यूटन। ओके, तो यदि 20 न्यूटन है तो इस कैट पे 10 तो नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स और 20 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब इस केस में कैट का जो एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन शुड बी जी, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। अच्छा, आफ्टर सम टाइम द कैट स्टॉप्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में मोशन बंद कर देती है, कहीं भी रुक जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ कैट्स एक्सेलरेशन इज, बिल्ली के त्वरण में परिवर्तन का परिमाण। तो देखो उस वाले केस में सिंपल सी बात है, इधर 2 केजी का ब्लॉक है और इधर 1 केजी का ब्लॉक है। तो इस वाले केस में ऑब्वियसली डायग्राम में ये वाली चीज नहीं होगी एग्जाम में, ये 2 केजी का ब्लॉक जस्ट लिफ्ट अप वाला केस रहता है। तो दूसरे केस में एक्सेलरेशन तभी आएगा जब ग्राउंड पे नहीं होगा, पेपर में डायग्राम करेक्ट गिवन है बेटा। तो अब इस वाले केस में यदि मैं बात करूं तो इस वाले केस में ये सिस्टम के पास इधर एक्सेलरेशन है 2g, सॉरी इधर फोर्स है 20, इधर फोर्स है 10, तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड होगा, इसका एक्सेलरेशन ये अपवर्ड होगा। लेट्स सपोज इट इज a प्राइम, तो a प्राइम की वैल्यू जो आएगी नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो इस वाले केस में जो अपने पास आ रहा है दैट एक्सेलरेशन इज जी बाई थ्री, 10/3 बोल दो, जी बाई थ्री बोल दो। पहले केस में एक्सेलरेशन था केट का अपवर्ड डायरेक्शन में जी और डाउन, दूसरे केस में डाउनवर्ड डायरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जी बाई थ्री, तो केट के एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड में चेंज कितने का है, तो ऑब्वियसली द आंसर इज 2g/3। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 में क्या कहा जा रहा है, द थ्री आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर सस्पेंडेड एस ऑन टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स वन बिलो द अदर एज शोन इन द फिगर, इफ थ्रेड इज कट दैट सपोर्ट्स ब्लॉक ए देन इनिशियली, मतलब तीन समरूप पिंड है, एक के नीचे एक दो स्प्रिंगों की सहायता से लटके हुए हैं, यदि मैं इस रस्सी को काट देता हूं तो प्रारंभ में केवल एक ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो मैंने कहा देखो जैसे ही इस पर बात करेंगे ना, तो इस पर इधर mg लग रहा होगा और इधर भी टेंशन mg के बराबर ही लग रहा होगा, इस वाले पर इधर एक टेंशन mg के बराबर लग रहा होगा और एक इस पर खुद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। फिर इस वाले पर जब वन पे अपन बात करेंगे तो एक तो इस पर टेंशन, देखो इस पर अब ये mg, इसका मतलब इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो कितना होगा 2mg, तो इस पर एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स 2mg लग रहा होगा, एक इस पर खुद का mg फोर्स लग रहा होगा। जैसे ही आपने इस स्ट्रिंग को कट किया, ये स्प्रिंग अपने टेंशन को मेंटेन करेगा, ये स्प्रिंग अपने टेंशन को मेंटेन करेगा, सो दिस ब्लॉक विल नॉट मूव, दिस ब्लॉक विल नॉट मूव, दिस ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3g। तो फर्स्ट वाली जो बोल है या फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से गिरेगा, 2 और 3 रेस्ट में होंगे, सो अकॉर्डिंग टू दिस द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, कि दोनों ही ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 25 के बाद द नेक्स्ट वन इज 26। 26 में कहा जा रहा है चेन ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल इज हेल्ड वर्टिकल बाय फिक्सिंग इट अपर एंड ऑफ रिजिड सपोर्ट, द टेंशन इन द चेन एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट इज, मतलब ये एक चेन है, ये यहां से अपन ने मास कैपिटल M है, लेंथ कैपिटल L है और इसको लटका दिया, यहां से y डिस्टेंस पर टेंशन पूछा है, तो यहां पर y डिस्टेंस पर जो टेंशन है उस टेंशन का वर्क है कि नीचे जो L माइनस y लेंथ का पार्ट बच गया, L माइनस y लेंथ का पार्ट बच गया उसको सपोर्ट करना, मतलब उसको उसके वेट के इक्वल टेंशन देना, तो टेंशन की वैल्यू इसका वेट कितना एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई, और वेट के लिए बात करेंगे तो मल्टीप्लाइड विथ जी, सो अकॉर्डिंग टू दिस द सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या कहा जा रहा है कि ए सिप ऑफ मास 3 × 10⁻⁷ केजी इनिशियली थ्रस्ट इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 5 × 10⁴ न्यूटन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, एक जहाज जिसका द्रव्यमान दिया गया है, प्रारंभ में विराम से इसको अपन ने खींचा है 3 मीटर डिस्टेंस तक इस फोर्स की हेल्प से, और जल का कोई रेजिस्टेंस नहीं मानना है तो स्पीड बतानी है शिप की, तो अपन ने कहा देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस होता है तो शिप की जो स्पीड होगी उसका सीधा सीधा आंसर वी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2as होगा, भाई v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, u तो 0 है, सो दिस इज 2, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, मास इज 3 × 10⁷ और कितनी डिस्टेंस से खींचा, 3 मीटर की डिस्टेंस से खींचा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 × 2 दैट इज 10, तो ऊपर 10⁻⁵ नीचे 10⁻⁷, तो 1/100 बचा,
तो 1/10 रूट से बाहर निकालने पर, तो सिप की जो स्पीड होगी 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है द सिस्टम इज पुश्ड बाय ए फोर्स कैपिटल एफ शोन इन द फिगर, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ एक्सेप्ट बी एंड सी इज म्यू, ठीक है, बी और सी के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ टू प्रिवेंट ब्लॉक बी फ्रॉम डाउनवर्ड स्लिपिंग इज, कि कैपिटल एफ की मिनिमम वैल्यू की डाउनवर्ड स्लिपिंग रोकनी है मेरे को कैपिटल बी की, तो कैपिटल एफ कितना लगाना पड़ेगा। मैंने कहा देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले इस सिस्टम के एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन जो आएगा वो एफ बाई 5 m आएगा। अब मेरे को ये बताना है कि कैपिटल एफ कितना लगाऊं ताकि बी नीचे ना गिरे। मैंने कहा देखो सी जो ब्लॉक है ना उस पर इधर जो नॉर्मल लग रहा होगा उसकी वजह से उसका इधर एक्सेलरेशन ए होगा, तो ब्लॉक सी पर लगने वाला नॉर्मल जो होगा दैट इज द मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो ब्लॉक सी पर जो लगने वाला नॉर्मल है दैट नॉर्मल इज 2f/m। अब सुनो बात को, ये जो बी है ना इस पर फ्रिक्शन इधर वाले पॉइंट की वजह से लगेगा, तो इस पर इधर फ्रिक्शन लगेगा म्यू इनटू एन अपवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर mg फोर्स लग रहा है, हमें डाउनवर्ड स्लिपिंग रोकनी है, इसका मतलब म्यू इनटू एन जो है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट mg, और n इज व्हाट 2f/5 इज इक्वल टू कितना mg, तो कैपिटल एफ की वैल्यू जो इस वाले केस में मेरे पास निकल के आ रही है एटलीस्ट डिवाइडेड बाय 2 म्यू। अब फोर्स इससे ज्यादा होगा तो नॉर्मल भी इससे ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी mg से ज्यादा लगेगा, सो दिस इज द लिमिटिंग केस, सो अकॉर्डिंग टू दिस द सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं 28 के बाद 29 में बोला जा रहा है दैट ए होमोजेनियस चेन ऑफ लेंथ कैपिटल एल लाइज ऑन अ टेबल, ओके, समरूप चेन टेबल पर रखी हुई चेन और टेबल के मध्य घर्षण गुणांक म्यू है, लंबाई का अधिकतम मान जो साम्यावस्था में मतलब मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितनी स्ट्रिंग से लटकी हुई रह सकती है, मैंने कहा टेबल से, मैंने कहा देखो सुनो कि ये वाला जो हिस्सा है ना मान लो एल लेंथ का हिस्सा जो है वो लटका हुआ है, तो टेबल के ऊपर चेन कितनी भी, टेबल के ऊपर चेन होगी कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, तो पुलिंग फोर्स जो लगेगा वो लगेगा लैम्डा एल इंटू जी यूनिट लेंथ के मास के अकॉर्डिंग, और यदि वो टेबल के ऊपर रखे हिस्से के इस फोर्स से कम आ जाता है या इसके इक्वल, तो वो लेंथ मतलब, और इस वाले केस में स्लिपिंग नहीं होगी, यदि स्लिपिंग नहीं होगी तो आप देखो यहां से सोल्व करें लैम्डा जी से, लैम्डा जी सही हो गया, ये स्मॉल एल डिवाइडेड बाय म्यू दैट वैल्यू इज कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, स्मॉल एल को इधर ले आए, तो जैसे ही अपन ने एलसीएम लेकर सोल्व किया दिस इज एल साथ में 1 + μ डिवाइडेड बाई म्यू एंड दैट वैल्यू कम्स एज कैपिटल एल, तो यहाँ से मेरे पास स्मॉल एल की वैल्यू जो आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज म्यू इंटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाई 1 + μ, मतलब चेन का इतना हिस्सा जो है वो अभी भी हैंगिंग रखा जा सकता है, यदि इससे ज़्यादा हिस्सा हैंगिंग रहा तो चेन जो है वो नीचे स्लिप करेगी। चलिए सर 29 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है ब्लॉक ए ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड ओवर ए ब्लैक ब्लॉक बी ऑफ मास 2 m, ओके, 2 m द्रव्यमान के तख्ते पर रखा हुआ, तख्ता घर्षणहीन सतही सतह पर रखा हुआ है, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू, ए और बी के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है मतलब 1/2 है, सॉरी, पिंड ए को दाई और वी नॉट वेग दिया है, मतलब ए को अपन ने इधर वी नॉट वेलोसिटी दे दी है, तो बी का एक्सेलरेशन चाहिए रिलेटिव टू ए। सुनो बात को, यदि मैं ए के ऊपर बात करूंगा ना बेटा तो ऑब्वियसली देखो रिलेटिव वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन तो लगेगा, लिमिटिंग भी लगेगा वो भी, तो इस पर तो इधर फ्रिक्शन लगेगा म्यू एम जी, तो ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर वाली डायरेक्शन में मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में म्यू जी है, और बी की जब आप बात करोगे तो बी पर फ्रिक्शन आपने इधर 2 μmg लगाया है, सॉरी μmg लगाया है, और बी का मास दिया कितना 2 m, तो बी का जो एक्सेलरेशन मेरे पास निकल के आएगा वो एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू जी बाई 2। अब ए का एक्सेलरेशन है बेटा इस डायरेक्शन में, बी का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा दोनों का दिस प्लस दिस दैट इज 3 μg डिवाइडेड बाई 2। अब म्यू की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इस वाले केस में मेरे पास जो आ रहा है दैट रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कमिंग एज 3g/4। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 30 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 31। 31 में बोला जा रहा है अज्यूमिंग ऑल द सर्फेसेस टू बी फ्रिक्शनलेस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी शोन इन द फिगर, की डायग्राम में ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वही समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 लगा दें इस केस में। देखिए इस पर टेंशन लगेगा इधर, इस पर टेंशन लगेगा इधर, और इस पर टेंशन लगेगा अपवर्ड, तो
तो इनके लिए समेशन टी डॉट ए लगाएंगे तो माइनस थ्री टी आएगा, इसके लिए लगाएंगे तो माइनस फोर टी आएगा, और इसके लिए लगाएंगे तो टू टी इंटू स्मॉल ए आएगा, इज इक्वल्स टू जीरो. फ्रॉम हियर इफ वी सॉल्व द एक्सेलरेशन ऑफ सी, देन एक्सेलरेशन ऑफ सी कम्स एज 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए 31 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या कहा जा रहा है. A block of mass small m is kept on an inclined plane of lift moving downward with an acceleration of 2 meter per second square. What should be the coefficient of friction for the block to move down with constant velocity? मतलब block जो है वो constant velocity से move down होना चाहिए. देखो, यदि मैं इस वाले केस में इस small m mass को रख के बात करता हूँ ना, तो इस पर एक फोर्स तो इधर mg लगेगा और एक pseudo फोर्स ऊपर की तरफ 2m लगेगा, तो effectively net फोर्स नीचे की तरफ 8m लग जाएगा. और यदि मैं उस एटम के अकॉर्डिंग कंपोनेंट डालूंगा फोर्स के, तो ये लगा एटम साइन थीटा 30 और इधर लगेगा म्यू एटम कॉस 30. यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब ये वाला फोर्स एक्चुअली में इसके इक्वल है. जैसे ही अपन एटम जैसे ही अपन इनको बैलेंस करेंगे, मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो म्यू कॉस थीटा की इक्वल आएगी. मतलब टेन थीटा जो है मेरा, That value is mu, और theta 30 degree given है, तो coefficient of friction जो मेरे पास आ रहा है, that coefficient of friction is 1/√3. मतलब pseudo force लगने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यदि mu 10 theta के equal है, तो constant velocity से ही जाएगा. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन. 32 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 33. ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg, रफ इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, ब्लॉक और प्लेन के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है. एफ 10 न्यूटन ब्लॉक पे अप्लाई किया है 30 डिग्री एंगल पे. ब्लॉक और प्लेन के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए. देखो यदि कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों की बात करनी पड़ेगी. सबसे पहले तो मैं यदि इसका इधर कंपोनेंट तोड़ता हूं ना, तो 10 न्यूटन का इधर कंपोनेंट आएगा 10 cos 30 दैट इज 5√3 और इधर आएगा 10 sin 30 दैट इज 5. अच्छा, इसके अलावा मास दे रखा 40, तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं इधर की डायरेक्शन में फोर्स की बात करता हूं, मास सॉरी 4 केजी, तो फोर्स इज 40, तो 40 का इधर वाला कंपोनेंट 20√2 और 40 का इधर वाला कंपोनेंट अगेन 40√2 अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ प्लेन दैट इज 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन का एंगल. अब सुनो, इधर लग रहा होगा नॉर्मल, तो नॉर्मल की वजह से इधर फोर्स लगेगा, लिमिट फ्रिक्शनल फोर्स. अब मेरे को देखना कि लिमिटिंग लगेगा या नहीं लगेगा. देखो बेटा, यदि मैं नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो नॉर्मल की वैल्यू आती है 20√2 माइनस में 5, और यदि उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज म्यू इंटू एन, और उसमें यदि 5√3 ऐड कर देता हूं, तो दैट इज 5√3. ये वाला डाटा सोल्व करने पर मेरे पास 20√2 से लेस आ रहा है, और यदि यह डाटा 20√2 से लेस आ रहा है, दैट मींस इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा, दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी काइनेटिक इन नेचर. मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दे अपन, स्टैटिक और काइनेटिक तो अलग अलग तो दिए नहीं ना. जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाया, रिएक्शन फोर्स इधर आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड दैट कॉन्टैक्ट फोर्स इज अंडर रूट में एन स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर. अब एन को तो डालो कॉमन, और साथ में ये वाला डाटा आ गया अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर. म्यू की वैल्यू आपको 0.6 गिवन है, तो यदि ये डाटा पुट करके अपन चेक करेंगे, तो द करेक्ट आंसर कम्स एज फर्स्ट वन, 27.15 न्यूटन. ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. 33 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 34. देखिए 34 में क्या कहा गया है कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 केजी इज प्लेस्ड ओवर ए प्लैंक ऑफ मास 2 केजी. द लेंथ ऑफ द प्लैंक इज 2 मीटर. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक इज 0.5. एंड ग्राउंड ओवर विच द प्लैंक इज प्लेस्ड इज स्मूथ. ए कॉन्स्टेंट फोर्स कैपिटल एफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द प्लैंक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. The time after which the block will separate from the plank is, ठीक है. मतलब मैंने क्या किया, एक्चुअली मैं ये 2 kg का ब्लॉक रखा, इस पर इधर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 1 kg का ब्लॉक इसके ऊपर है ना. अब इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है ना, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 ऊपर वाले का म्यू जी हो सकता है. म्यू कितना है 0.5 और जी की वैल्यू 10, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 का पा सकता है. यदि आप कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालते हो, तो कंबाइंड एक्सेलरेशन आता है 10. दैट मींस देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज ब्लॉक्स ए एंड बी. यदि रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन लगेगा कैसा, काइनेटिक, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा म्यू एम जी. इधर म्यू इज 0.5, इट इज 1, जी इज 10, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज 5. और बी पर जब बात करेंगे,
पीछे 5 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर 30 लग रहा है, तो 30 माइनस 5 दैट इज 25, और बी का जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो दैट एक्सेलरेशन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इज 12.5. इसका एक्सेलरेशन इधर 5 है, इसका एक्सेलरेशन इधर 12.5 है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 7.5 ए का बी के रेस्पेक्ट में, और वो भी नेगेटिव में पीछे की तरफ आएगा. मतलब ए पीछे की तरफ गिरेगा कितनी डिस्टेंस चल के, रिलेटिवली प्लैंक की लेंथ 2 मीटर है तो रिलेटिव डिस्टेंस 2 मीटर चल के गिरेगा. तो SR इज इक्वल टू हाफ AR इनटू T स्क्वायर. फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द टाइम दैट इज 8/15. तो अंडर रूट 8/15 यहां से यदि अपन टाइम कैलकुलेट करेंगे देन दैट टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 0.73. देखो मैं यदि 0.5 के आसपास का डाटा बोलूँ ना, मतलब जैसे 7.5/15 होता तो 1/2 आता, मतलब 0.5 का अंडर रूट 0.7 के आसपास आता. तो बात समझ गए आप मेरी कि 7.3 किस बेसिस पर अपन डायरेक्टली भी हीट कर सकते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है और स्ट्रिक से करेंगे तो बहुत ईजी, अदरवाइज टिपिकल पड़ेगा. क्वेश्चन में कहा गया इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर वेज ऑफ मास कैपिटल एम मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल ए, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ. ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ मास स्मॉल एम रिलेटिव टू द वेज, और वेज इज मूविंग ड्यू टू नॉर्मल बाय स्मॉल एम, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है ना उसकी वजह से वेज का मोशन हो रहा है. तो मेरे को यह बताना है कि स्मॉल एम का वेज के रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली देखो स्मॉल एम वेज के रेस्पेक्ट में किधर जाएगा, नीचे. मान लो स्मॉल एम जो है वो वेज के रेस्पेक्ट में इधर ए आर एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, ए आर कोस 60, और वेज का एक्सेलरेशन इधर कितना है, ए. अब इस पर यदि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स की बात करूं, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी लग रहा है और इधर वाली डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, और नॉर्मल का जो एंगल दिया गया है दैट एंगल इज 60, तो मैं कहूं थीटा ले लो सीधा, मतलब ये वाला एंगल नॉर्मल का वर्टिकल से थीटा होगा, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, एन साइन थीटा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से स्मॉल एम का जो एक्सेलरेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज ए आर कोस 60 माइनस स्मॉल ए, क्योंकि ए आर इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए आर बाई 2, तो ए आर कोस 60 माइनस में ए. चलिए सर, और दूसरा यदि मैं कैपिटल एम की बात करता हूं तो कैपिटल एम पर नॉर्मल इधर लग रहा है वर्टिकल से थीटा एंगल पर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा, और उस एन साइन थीटा की वैल्यू जो मेरे पास आएगी दैट इज कैपिटल एम इंटू में ए. बोलो ठीक है क्या. अब यहां से इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए आर, देन ए आर की वैल्यू के लिए देखो स्मॉल एम ए आर बाई 2 माइनस में ए इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, स्मॉल एम को इसके डिवीजन में भेज दिया, ए आर बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन टू में ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एम, सो द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम दैट इज 2 टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू में ए डिवाइडेड बाय स्मॉल एम. तो अकॉर्डिंग टू दिस द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36. पता है बहुत सिंपलेस्ट ट्रिकी सा क्वेश्चन. क्वेश्चन में बोला गया दैट अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद यूनिफॉर्म स्पीड, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन. देखो सुनो बात को, जैसे ही मैंने ब्लॉक को यहां रख रखा है और ब्लॉक जो है वो जो है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से गिर रहा है, यदि वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है ना, नियत चाल से आ रहा है, तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो है. अब सुनो बात को, नेट फोर्स यदि जीरो है तो इस पर एक फोर्स एम जी इधर लगा, एक फोर्स नॉर्मल इधर लगेगा, एक फोर्स फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो दोनों का रिएक्शन फोर्स ऑब्वियसली इस वाले डायरेक्शन में लगेगा. अब यदि रिएक्शन फोर्स, मतलब रिएक्शन फोर्स अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है, सोचो यदि वो एम जी और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगकर एम जी के बराबर हो जाए तो नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो. इसका मतलब बॉडी जो है वो स्मूथली गिरेगी. तो इस वाले केस में कॉन्टैक्ट फोर्स जो आया ब्लॉक और प्लेन के बीच में, दैट कॉन्टैक्ट फोर्स इज व्हाट, एम जी. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 जैसा क्वेश्चन जो है ना वो जेई मेंस के अंदर आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है दैट अ पैराबोलिक बाउल विद इट्स बॉटम एट ओरिजिन हैज द शेप y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 20 वेयर x एंड y आर इन मीटर, द मैक्सिमम हाइट एट व्हिच अ स्मॉल मास स्मॉल m कैन बी प्लेस्ड ऑन द बाउल विदाउट स्लिपिंग, मतलब इस पर बिना स्लिप हुए मैक्सिमम किस हाइट तक अपन ब्लॉक को पुट कर सकते हैं. अब देखो इसमें सिंपल वे में यदि अपन बात करें, सबसे पहले इस पैराबोला के साथ मैंने कहा मास स्मॉल m यहां रखा हुआ है और अपन इसकी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा और इस पर इधर फोर्स लगाया अपन ने mg,
ये वाला एंगल थीटा तो नॉर्मल के साथ ये वाला 90 माइनस थीटा, तो इधर वाला थीटा, तो इधर वाला फोर्स लगा एम जी कॉस थीटा। मैंने टेंजेंट खींच ली, एंगल को थीटा कह दिया, टेन थीटा अपन डीएक्स बाई डी टी से निकाल देंगे। इधर लगा एम जी साइन थीटा और इधर वाली डायरेक्शन में इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है और इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम जी कॉस थीटा। यदि ब्लॉक स्टेशनरी है तो एम जी साइन थीटा ऑब्वियसली इधर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। तो एम जी साइन थीटा जो होगा वो अपने पास इस वाले केस में म्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा। मतलब टेन थीटा जो है ना आपका, जो कि डीएक्स बाई डी टी से सोल्व करोगे तो एक्स बाई टेन आएगा, दैट इज वन बाई दैट इज म्यू, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5, दैट इज 1/2। तो यहां से जब मैंने सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आई मेरे पास 5, मतलब मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट 5 हो सकता है। तो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट अपने पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 20, मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो आ रहा है दैट इज 25/20। मतलब यहां से मैक्सिमम हाइट जिसपे अपन बॉडी को रख सकते हैं, दैट मैक्सिमम हाइट इज 1.25 मीटर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोला जा रहा है दैट ए प्लम बोविल इज हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए ट्रेन कंपार्टमेंट, और ट्रेन जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर 30 डिग्री जो ओरिजेंटल के साथ है उस पर मूव कर रही है। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन जो दे रखा है वो g बाई 2 दे रखा है। एंगल विद द स्ट्रिंग सपोर्टिंग द बोब मेक्स विद नॉर्मल ऑफ सीलिंग इन इक्विलिब्रियम, मतलब एंगल निकालना है, द एंगल विथ विच द स्ट्रिंग सपोर्टिंग द बोब मेक्स विथ नॉर्मल टू द सीलिंग इन इक्विलिब्रियम इज। तो यहां पर अपन ने कहा देखो ऐसा कंपार्टमेंट ऐसा होगा, आपकी बॉडी जो है वो कुछ मान लो एस टाइप से ऐसे है, इस पर इधर एक तो एम जी साइन थीटा लगेगा और एक एम ए फोर्स लगेगा, दोनों ही एम जी बाई 2 और एम जी बाई 2 के इक्वल हो क्योंकि एक्सेलरेशन जी बाई 2 दे रखा और साइन 31/2 होता है, और इस पर इधर वाला जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी एम जी कॉस 30, एंड आई हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा। तो इधर टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इधर टी का कंपोनेंट साइन थीटा, तो टी साइन थीटा की वैल्यू जो आ रही है ना बेटा, दैट वैल्यू इज कमिंग एज एम जी, और टी कॉस थीटा की वैल्यू जो आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज रूट 3 एम जी बाई 2। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो टेन थीटा की वैल्यू जो आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 2/√3। तो यहां से यदि मैं थीटा की बात करूं जो वर्टिकल के साथ बन रहा है, दैट एंगल इज 10 inverse 2/√3। चलिए आगे बढ़ाते हैं 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कहा जा रहा है कि अज्यूमिंग द ग्रेविटी टू बी इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, कि ग्रेविटी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, एक फोर्स लग रहा है F is equals to V cross B is exerted on a particle in addition to the force of gravity, where V vector is the velocity of the particle and A vector is a constant vector in positive x direction. With what minimum speed a particle of mass small m to be projected so that it continues to move undeflected with constant velocity? देखो एक सिंपल सी बात सुनना कि यदि बॉडी मूव कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कर रही है तो बॉडी पर नेट फोर्स जो होना चाहिए दैट फोर्स शुड बी जीरो। अब अपने पास क्या है, एक जो फोर्स लग रहा है वो माइनस एम जी जे कैप लग रहा है, अब जो दूसरा फोर्स यदि प्लस एम जी जे कैप लग जाए जो कि वी क्रॉस ए लगे, कितना लगे प्लस एम जी जे कैप। अब वी क्रॉस ए की बात करूं तो इट इज वी क्रॉस प्रोडक्ट विद ए, ए को दिया गया ए आई कैप, यदि इसकी वैल्यू प्लस एम जी के कैप के इक्वल आ गई तो बॉडी पर नेट फोर्स, बट ग्रेविटी की वजह से माइनस एम जी के कैप लग रहा है, एक वी क्रॉस ए की वजह से प्लस एम जी के कैप लग जाए तो खेल क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो यहां से ये डाटा आई कैप है तो ऑब्वियसली ये वाला डाटा जो आना चाहिए वी शुड बी विथ माइनस जे कैप, मैग्नीट्यूड ठीक है और ये डाटा माइनस जे कैप में आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए आई कैप, ताकि जे क्रॉस आई माइनस के बने एक माइनस पहले से है। अब यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इधर मैग्नीट्यूड है एम जी और इधर मैग्नीट्यूड है वी ए, तो बॉडी पर जो स्पीड आ रही है दैट स्पीड इज एम जी बाई ए और इट इज अलॉन्ग माइनस जे कैप, सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 39 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 40। 40 में कहा गया है कि ए सूटकेस इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट 3 meter per second, कन्वेयर बेल्ट 3 meter per second से है और सूटकेस को जेंटली इस पे रख दिया, ठीक है। बेल्ट और सूटकेस के मध्य घर्षण गुणांक का मान 0.5 है, तो कन्वेयर बेल्ट के सापेक्ष फिसलन रुकने तक सूटकेस का विस्थापन बताना, मतलब सूटकेस जो है कन्वेयर बेल्ट के रिलेटिवली मोशन जब उसने बंद कर दिया तो वो कितना डिस्प्लेस हो चुका है। मैंने कहा देखो ऐसा है, वेलोसिटी जो है ना वो 3 meter per second की अटेन करनी है और किसकी वजह से, म्यू जी की वजह से, और म्यू है कितना 0.5, जी कितना है 10, तो वैल्यू आ गई कितनी 0.5 × 10 दैट इज 5। तो मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी रुकने से पहले जो टाइम उसको लग रहा है दैट टाइम इज 3/5, ये उसका रिलेटिविस्टिक एक्सेलरेशन है। तो
उसने उस टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो सूटकेस के रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी थी 0, फाइनल वेलोसिटी है 3, तो इतने में सूटकेस मतलब कितनी डिस्टेंस चल के गया, तो हाफ 80 स्क्वायर चल के जाएगा। तो सूटकेस जो चल के गया दैट इज हाफ ए, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज 5 एंड टी दैट इज 3/5, तो इट इज 3/5 इंटू 3/5, सो दैट डाटा कम्स एज 45 डिवाइडेड बाई 50, सो अकॉर्डिंग टू दिस 0.9 meter इज द करेक्ट आंसर, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर, तो अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला जा रहा है द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, कि एक कार रेस्ट से शुरू कर रही है, रेस्ट तक 500 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो है टायर्स और रोड के बीच में 1/2 है, स्पीड लिमिट कुछ दी गई नहीं है, और मिनिमम टाइम जिसमें कार ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, तो हमने कहा यदि इस केस में if we plot the diagram of speed versus time, then the graph will be like this or this, to graph kuch aisa aayega na, ab minimum time mein travel karni hai to coefficient of friction yadi 1/2 de rakha hai, to sabse pehli cheez maximum possible acceleration aur maximum possible retardation dono ki hi value, is question ka key concept yahi hai ki dono ki hi value jo hai that value will be 5, matlab mu z ke equal hogi, dono ki value yadi 5 ke equal hui तो S जो होता ना उसका फॉर्मूला होता है हाफ अल्फा बीटा, मतलब 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा दैट इज 10 इंटू टी स्क्वायर। जेई मेंस में ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट 500 मीटर। चलिए सर डिस्कस करते हैं, तो हमने कहा देखो ये डाटा कैंसिल आउट हुआ कितने टाइम्स, 2 times, और ये डाटा कैंसिल आउट हुआ कितने टाइम्स, 100 times, तो टी स्क्वायर की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 400, तो फ्रॉम हियर आई कैन से कि मिनिमम टाइम जिसमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है दैट इज 20 सेकेंड, जिसमें 10 सेकेंड एक्सेलरेशन के होंगे और 10 सेकेंड रिटार्डेशन के होंगे। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 में बोला जा रहा है कि अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 degree सच दैट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 30 degree दैट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर द इंक्लाइंड प्लेन, F1 be the contact force between the block and the plane, okay. Now the inclined plane stops and F2 be the contact force F2 be the contact force between the two in this case, then F1 by F2, मतलब question कुछ ऐसा है कि पहले तो क्या, जैसे अपन ने inclined plane पे यहाँ से theta angle पे रखा और इस inclined plane को इस direction में A acceleration से कुछ ऐसे accelerate किया ताकि ये block इसके relatively move ना करे, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आता है, वी ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आता है वो mg बाई cos थीटा आता है। दूसरे केस में वेज रुक गया और ब्लॉक जो वो इसके अलोंग स्लाइड करता हुआ आ रहा है, तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज mg cos थीटा। तो अपने को एक्चुअली मैं इन दोनों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल दो चाहे भाई फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, तो इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके बतलानी है, तो इन दोनों की वैल्यू जो आती है N1 डिवाइडेड बाई M2 दैट इज 1/cos² थीटा। थीटा आपको 30 degree दे रखा है तो cos 30 √3/2 होता है, तो cos² थीटा जो इस वाले केस में आ रहा है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 4/3। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 42 के बाद द नेक्स्ट वन इज 43। ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एट 20 meter per second, ब्लॉक को अब ऊपर के डायरेक्शन में 20 meter per second से भेजा गया, लेट टी इज द टाइम इज गोइंग अप, देन टी इज इक्वल टू कि ऊपर जाने का समय जो है वो स्मॉल टी है, तो टी किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली देखो ऊपर जा रहा है तो एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा भी नीचे लगेगा, तो रिटार्डेशन की वैल्यू जो होगी दैट रिटार्डेशन विल बी जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो रिटार्डेशन किसके इक्वल आ रहा है, रिटार्डेशन जी के इक्वल आ रहा है, मतलब 10 आ रहा है। अब रिटार्डेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 है, कितने टाइम में 0 हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई ए, सो द टाइम कम्स एज व्हाट, 2 सेकेंड, बोलो ठीक है क्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कि इन द फिगर 2 ब्लॉक्स आर गिवन वेलोसिटीज एज शोन, द लोअर ब्लॉक इज वेरी लॉन्ग एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज सीज्ड, कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन है और ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो बहुत लेंथी है, मतलब उसकी लेंथ जो लोअर ब्लॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और ये दिस इज नॉट म्यू एम, दिस वन इज म्यू के कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, 0.5 है, तो हमें ये बताना है कि किस टाइम जब उनके बीच रिलेटिव मोशन सीज हो जाता है तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी। अब सुनो जो 1 kg का ब्लॉक है ना उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा
2 kg की वजह से, 2 kg पर लगेगा 1 kg की वजह से, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. सो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी व्हाट? कंजर्व्ड. अब लीनियर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम कितना रहेगा? 1 × 7. इसका लीनियर मोमेंटम माइनस में 2 × 2. और फाइनली यदि ये दोनों जब रिलेटिव मोशन सीज हो जाएगा तो बोथ विल स्टार्ट टू मूव विद कॉमन वेलोसिटी, एंड दैट कॉमन वेलोसिटी इज व्हाट? 1 m/s. और किधर होगी? वो राइट डायरेक्शन में होगी. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 44 के बाद 45. देखिए 45 में कहा गया है दैट ए फ्रेम इज रोटेटिंग इन अ सर्किल एट वेरिंग स्पीड v इज इक्वल टू 2t − 4, वेयर t इज इन कांस्टेंट. एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम दिस फ्रेम द स्यूडो फोर्स. मतलब यदि इस फ्रेम से देखा जाए तो स्यूडो फोर्स जो होगा, अब सुनो, एक्चुअली में वो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, सबसे पहले मैं उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की बात करूं तो उस ऑब्जेक्ट के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा t और एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, दैट इज v² / r. मतलब यदि मैं ऐसे सोचूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो dv/dt से निकालेंगे और रेडियल एक्सेलरेशन v² / r से निकालेंगे, तो जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो दोनों की वजह से लगेगा. तो अब यदि मैं इससे किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो उस पर लगने वाला स्यूडो फोर्स मिनिमम तब होगा, टेंजेंशियल तो फिक्स है, जब स्पीड मिनिमम होगी. अब इसकी स्पीड किस पर मिनिमम आ रही? 0 आ रही t = 2 पर. तो जब स्पीड मिनिमम होगी तो लगने वाला जो फोर्स है, दैट फोर्स इज ऑल्सो मिनिमम. तो द स्यूडो फोर्स विल बी मिनिमम एट t = 2 seconds. सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ाते हैं. बहुत फेमस सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46. कंफ्यूजन वाला सा है. जब 10 और 10 दोनों साइड में लगेंगे तो फोर्स कितना होगा? टेंशन होगा स्प्रिंग में कितना? 10 newton. और यदि सिचुएशन कुछ इस टाइप की हुई कि एक स्प्रिंग लगा दी गई, इस पर भी 10 newton लगाया गया, तो भी टेंशन कितना होता है? 10. इस वाले केस में ये जो 10 newton का फोर्स है, ये स्प्रिंग को कौन प्रोवाइड करता है? वोल प्रोवाइड करता है. बोलो ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 46 के बाद 47. 47 में कहा गया है कि ऑल पुलीज आर शोन इन द फिगर आर मासलेस, देन द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड फॉर द सिस्टम टू रिमेन इक्विलिब्रियम. कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कि ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में. अब सुनो, देखो 1/1 FBD बनाए ना, इसका FBD तो बनाया हुआ ही है कैपिटल A का, तो इस पर तो T और MG मतलब टेंशन की वैल्यू MG के इक्वल होगी. अब मुझे 3M का FBD बनाना है. यदि मैं 3M का FBD बनाता हूं ना, तो 3M पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स 3MG लगेगा. एक इस पुली की वजह से इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स MG लगेगा, इधर वाली पुली की वजह से इधर टेंशन T लगेगा, इधर वाली स्ट्रिंग की वजह से इधर टेंशन T लगेगा. तो इधर फोर्स लग रहा है 2T, डाउनवर्ड में 4MG, तो जो नॉर्मल लगेगा दैट नॉर्मल विल बी ऑल्सो 4MG. तो राइट में तो फोर्स लग रहा है 2MG, और यदि वो लेस देन इक्वल टू हो गया म्यू इनटू एन से, मतलब यदि आपका म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 1/2 से, सो इन दिस केस द सिस्टम विल नॉट मूव. तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो अपने पास आ रहा है, दैट मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट? 1/2. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को. क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 में कहा जा रहा है कि दो स्मॉल स्पीयर्स हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m और 2L लंबाई की रस्सी से जुड़े हुए घर्षणहीन क्षैतिज सतह पर रखे हैं. रस्सी के मध्य बिंदु पर ऊर्ध्वाधर बल कैपिटल F लगाया गया, अधिकतम मान पूछा है ताकि ये कभी भी गोले जो है ना वो सतह से संपर्क ना छोड़े. मैंने कहा सुनो, देखो यदि स्ट्रिंग्स के साथ बात करें ना, तो इधर फोर्स लग रहा है कैपिटल F, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, यहां पर ये वाला एंगल दिया गया थीटा. ठीक है, मैंने कहा ये वाला एंगल फाई, ये वाला एंगल भी फाई, ये वाला एंगल भी फाई, इधर टी कोस फाई, इधर टी कोस फाई, तो 2t कोस फाई जो आया वो मेरे पास mg के इक्वल आ गया. उसके बाद यदि इस पर मैं टेंशन T की कहूं तो इस पर जो फोर्स लगेगा इधर टी कोस फाई लगेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल लग रहा है. कॉन्टेक्ट नहीं छोड़ रहा है, मतलब नॉर्मल जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? 0. मतलब mg माइनस टी कोस फाई, ओ सॉरी, दिस 2t कोस फाई इज व्हाट? कैपिटल F, सॉरी 2t कोस फाई इज व्हाट? कैपिटल F. तो हमने कहा कि mg माइनस टी कोस फाई दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी. व्हाट इज टी? टी इज कैपिटल F अपॉन 2 कोस फाई. T cos phi is capital F by 2. सीधा सीधा cos phi की वैल्यू रख दो, T cos phi, capital F by 2. तो यहां से आपका जो capital F है, that should be less than equal to what? 2 mg. तो जब मैं capital F की maximum value की बात करूंगा, तो
तो कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2mz। यदि इससे ज्यादा लगा तो नॉर्मल जीरो से ऊपर होके बॉडी ग्राउंड से कॉन्टेक्ट छोड़ देगी, और इससे कम ये या इससे कम तो बॉडी ग्राउंड से कॉन्टेक्ट नहीं छोड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि एक अननोन ब्लॉक है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, ब्लॉक पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अपन ने लगाया है। द ग्राफ इन फिगर शोज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के साथ एक्सेलरेशन का ग्राफ दिखाया गया, ब्लॉक का मास अपने से पूछा गया द्रव्यमान कितना होगा। मैंने कहा देखो 4 न्यूटन तक तो चल ही नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी 4। उसके बाद जब 14 न्यूटन का फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 5। तो मैंने कहा देखो 14 माइनस में फ्रिक्शन तो 4 लग रहा होगा, डिवाइडेड बाई मास एंड दैट विल बी एक्सेलरेशन, दैट इज वॉट 5। यहां से यदि मैं ब्लॉक के मास को कैलकुलेट करता हूं देन द मास ऑफ द ब्लॉक कम्स एज 2 kg। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है ऑन अ टेबल 3 ब्लॉक्स आर प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर, मास ऑफ ईच ब्लॉक इज स्मॉल एम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच ब्लॉक इज म्यू, की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कैपिटल एफ कितना लगाऊं ताकि सिस्टम जो मोशन शुरू करे। अब मोशन शुरू करे तो सुनो देखो, इस पर इधर टी लग रहा होगा और इस पर इधर क्या लग रहा होगा म्यू एम जी, तो टी म्यू एम जी से बड़ा होना चाहिए। अब ये टी तो इधर भी टी, तो इधर कितना 2t, तो इधर जो लगेगा जैसे मैंने कहा यहां लगा टी डैश, तो इस पर इधर क्या लगेगा म्यू एम जी, तो इस पर म्यू एम जी और 2t की वजह से, मतलब चलने वाले केस में ही जस्ट लिमिटिंग एज में मान लेता हूं, तो टी म्यू एम जी के बराबर तो 2t 2 म्यू एम जी, एक ये म्यू एम जी, तो टी डैश होना चाहिए 3 म्यू एम जी, तो इसमें आ गया इधर वाली डायरेक्शन में कितना 2t डैश, मतलब 6 म्यू एम जी, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में और कितना चलेगा तो म्यू एम जी। तो कैपिटल एफ जो है वो 2t डैश प्लस म्यू एम जी से ज्यादा होना चाहिए, 2t डैश है 6 म्यू एम जी और साथ में प्लस में म्यू एम जी, मतलब कैपिटल एफ शुड बी एटलीस्ट 7 म्यू एम जी या इससे ज्यादा, तो सिस्टम विल स्टार्ट टू मूव। चलिए सर, ये वाला जो पोर्शन था इसमें अपने पास 50 सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे जिसमें +4 और -1 है, उसके अगले वाला सेक्शन बी है जिसमें +4 और -1 रखा गया, और इसमें आंसर्स जो हैं वो 0.00 से लेकर 99.9999 के बीच में होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि सिस्टम डायग्राम में दिखाया गया सभी फ्रिक्शन सरफेसेस जो है स्मूथ है, स्ट्रिक्स एंड पुलीज आर मासलेस है, ठीक है। एंगल ऑफ वेज अपने को साइन इनवर्स 3/5 दिया गया है। सिस्टम को जब छोड़ा जाता है तो एम नॉट मूव नहीं कर रहा है, तो मुझे स्मॉल एम बाई कैपिटल एम बतलाना है। अब सुनो बात को, यदि एम नॉट मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब कैपिटल एम मूव कर रहा है, कैपिटल एम और स्मॉल एम कर रहे हैं, और स्मॉल एम जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जा रहा है, तो मैं कहूं इस केस में इन दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज कैपिटल एम जी माइनस में स्मॉल एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। एक तो ये सॉरी, ठीक है जी सर, थीटा जो दिया है वो 37 डिग्री दिया है, तो साइन 37 3/5 होता है, तो एक्सेलरेशन जो आया ना वो आया जी तो कॉमन डाला कैपिटल एम माइनस में 3 स्मॉल m डिवाइडेड बाई 5 दैट डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल m। पहली चीज तो यहां से आ गई। दूसरा, मैंने कहा सिस्टम चल नहीं रहा, तो स्मॉल m यहां पर नॉर्मल लग रहा होगा, तो इधर भी नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू स्मॉल m cos mg cos 37 के इक्वल होगी, मतलब 4 mg/5 के इक्वल आएगी। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने कहा यदि वेज पे बात करूं ना, सुनना, यदि मैं इस वेज पे बात करता हूं तो इस वेज पर इधर टेंशन टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है, तो टी का इधर वाला कंपोनेंट टी कोस 37 लग रहा है, और ब्लॉक की वजह से इधर नॉर्मल लग रहा है, जो ये वाला जो एंगल है जिसका वर्टिकल के साथ एंगल 37 आएगा, तो इधर आएगा एन साइन 37, तो इधर तो एन साइन 37 लग रहा है और इधर वाली डायरेक्शन में लग रहा है टी, साथ में 1 + cos 37, और टेंशन टी की वैल्यू जैसे ही एक्सेलरेशन आया फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन टी, टेंशन टी की वैल्यू यहां रख दो, स्मॉल एम की वैल्यू यहां रख दो, फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। बोलो ठीक है क्या? द आंसर इज स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, दैट इज 5। चलिए सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पेपर में थोड़े से बस 2-3 क्वेश्चन लेंथी रखे हैं ताकि अपन उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहे कि मेन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस टिपिकल आ सकते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बाकी हमने पेपर को परफेक्टली मेंस ओरिएंटेड रखने की कोशिश की है, जैसे मेंस में पूछे जाते उसके ही राउंड एंड राउंड।
चलिए क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, टू में कहा गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंगे, ये दो क्वेश्चन लेंगे, एक दो क्वेश्चन पहले सिंगल चॉइस में भी थे, बाकी सारे सिंपल से रखे हैं। क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया दैट स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी इज केप्ट एट रेस्ट एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ वेज ऑफ मास 9 केजी, ओके। इस पे 210 न्यूटन का एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया है, सभी सर्फेसेस स्मूथ है, टाइम बताना है जिसमें स्मॉल एम जो है वो इंक्लाइन प्लेन के हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। उतने में मैंने कहा सुनो, यदि मैं कैपिटल एम की बात करता हूं ना, इस पर इधर आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 210 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है और इधर जैसे अपने नॉर्मल लगा रखा है, सुनो 45 डिग्री का एंगल है, तो नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट n बाई रूट टू आएगा। और मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन यदि मैं इधर a2 कह दूं तो मैं कहूंगा 210 माइनस में n बाई रूट टू, दैट इज 9 इंटू a2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहली इक्वेशन वेज पर बन गई। उसके बाद यदि मैं ब्लॉक की बात करता हूं तो इस ब्लॉक पर यदि वेज का एक्सेलरेशन इधर a2 है तो एक तो इधर फोर्स लगेगा 2a2 और एक इधर फोर्स लगेगा 2g। अलोंग द प्लेन बात कर लेते हैं अपन, तो ना एक नॉर्मल निकालना चाहिए, देखो वैसे इधर नॉर्मल लगेगा और इस नॉर्मल की वैल्यू जो है वो 2a2 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 2g बाय रूट 2 के इक्वल आएगी। जैसे ही ये डाटा मैं इसमें पुट करूंगा, फ्रॉम हियर आई कैन कैलकुलेट a2, और जैसे ही a2 आया, सुनो बात को, इस पर इस a2 का इधर वाला जो कंपोनेंट है दैट कंपोनेंट इज ट्वाइस a2 बाय रूट 2 और 2g का जो इधर वाला कंपोनेंट है दैट इज 2g बाय रूट 2। मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन रिलेटिवली इधर a1 कह देते हैं, तो इस पर फोर्स हो गया 2g बाय रूट 2 माइनस में 2a2 बाय रूट 2 इज इक्वल टू मास, मास 2 kg तो 2 इंटू में a1 दैट इज द एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब इसको कितनी डिस्टेंस जाना है, 10 रूट 2 डिस्टेंस जाना है। देखो यहां से फ्रॉम हियर फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस दिस इज द नॉर्मल, फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी विल कैलकुलेट a2, a2 की वैल्यू इसमें रखेंगे a1 आएगा, फिर डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस इज 10 रूट 3 एंड दैट डाटा इज इक्वल टू हाफ a1 इनटू t स्क्वायर। यहां से यदि मैं टाइम की वैल्यू सोल्व करूंगा तो टाइम की वैल्यू जो आएगी दैट टाइम इज कम्स एज, टाइम कम्स एज 2 सेकंड्स। बोलो ठीक है, अब इसके बाद आई थिंक फर्दर हो सकता है क्वेश्चन, बहुत आसान सा, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। एन की वैल्यू इसमें पुट करोगे रूट टू तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, देखिए रूट टू ए टू प्लस रूट टू वाला डाटा जाएगा। जैसे ही देखो सोल्व कर देता हूँ, 210 माइनस में जैसे ही दिस इज 2 कॉमन आया रूट टू, तो रूट टू ए टू प्लस जी दैट वैल्यू इज 982। अब डाटा सोल्व कर लो ए टू के लिए। बोलो ठीक है क्या सर, पक्का? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कहा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन गिवन फिगर, की इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा गिवन फिगर में। देखो आपने जो 500 फोर्स लगाया ना उसके कंपोनेंट डालता हूं मैं, 500 cos 37 दैट इज 400, मतलब इधर 400 तो आपका नॉर्मल भी क्या लगेगा 400। फिर उसके बाद इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो 120 लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में 300 लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 दे रखा है, तो इस पर बैकवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में सोचो टेंडेंसी तो अपवर्ड मोशन की होगी, तो डाउनवर्ड में यदि मैं फोर्स के बारे में सोचूं, नॉर्मल आया 400 और 400 इंटू में 0.4 यदि अपन करते हैं, देखो 400 इंटू में 0.4 दैट डाटा कम्स एज 160। जैसे ही इसमें 160 ऐड करोगे 280 हुआ, इसका मतलब ये तो जाएगा, जाएगा इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो 0.3 से मल्टीप्लाई करना, 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आ जाएगा, मतलब इधर भी 120 लग रहा है, ऊपर 300 लग रहा है, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लगा 60। तो यदि मैं इसके एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो एक्सेलरेशन 60 डिवाइडेड बाई 12, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कम्स एज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट बी अवेयर आंसर की में आपको 0.05.00 फिल करना था। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास 5 केजी एंड 3 केजी रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.4 द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स विच कैन मूव देम विदाउट सेपरेशन, जो उनको सेपरेशन मतलब रिलेटिविस्टिक मोशन के बिना उसको मूव करवा सके वो कैपिटल एफ है, तो आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आरोपित अधिकतम बल का मान, कैपिटल एफ न्यूटन है ताकि दोनों ब्लॉक साथ साथ गति कर सके, तो एफ बाई 10 की वैल्यू बतानी मेरे को। मैंने कहा जी सर इस वाले केस में यदि मैं बात करूं तो ऊपर वाले ब्लॉक का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है
दैट इज म्यू जी, और म्यू जी के केस में दैट एक्सेलरेशन इज 4. तो यदि मुझे 9 केजी को 4 के एक्सेलरेशन से मूव करवाना है तो मैं मैक्सिमम फोर्स इस पर जो अप्लाई कर सकता हूं दैट फोर्स इज व्हाट 36. और यदि मैं F by 10 की बात करूंगा बेटा, then F by 10 is what? 3.6. This is the answer. So the answer should be 3.60. This will be the correct answer. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को. 4 का आंसर ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 में यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है कि तीन ब्लॉक है एबीसी, 4 kg, 2 kg और 1 kg. फ्रिक्शनलेस सरफेस पर डायग्राम के अकॉर्डिंग रखे गए हैं. 14 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 4 kg ब्लॉक, देन द कॉन्टेक्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, ए पर 4 kg ब्लॉक पर 14 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ए और बी के बीच में नॉर्मल पूछा है. देखो सिस्टम का एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी 14 डिवाइडेड बाई 4 + 2 + 1. That is 14/7, तो the acceleration is 2 m/s². तो इनका जो normal reaction force होगा that will be mass of B is 2, mass of C is 1 and acceleration जो है वो कितना है 2. तो इनके बीच में जो normal reaction force लगेगा that normal reaction force is 6 N. चलिए अगले question की बात करते हैं. Question number 6 में बोला गया है कि 2 kg का particle initially rest में है, उसके साथ time varying force जिसका magnitude time के साथ change हो रहा है वो diagram में दिखाया गया है. वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की 10 सेकंड के बाद, तो वेलोसिटी विल बी एरिया अंडर द, मतलब अपन ऐसे करेंगे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफटी कर्व. तो एफटी कर्व का एरिया सबसे पहले ट्रायंगल कितना 10, फिर रेक्टेंगल कितना 20, फिर रेक्टेंगल 20, फिर ऊपर वाला ट्रायंगल कितना 10, फिर ये वाला ट्रायंगल, अभी इस ट्रायंगल को 10 का, ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले में बेस है 4, हाइट है 20, सो दिस ट्रायंगल विल बी 40. मतलब 1/2 इंटू 4 इंटू 20 तो लिखेंगे दो बार क्या 40 इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो 2 × v. सो दिस डाटा इज 40 60 80 90 100 डिवाइडेड बाय 2. तो स्पीड जो मेरे पास निकल के आ रही है दैट स्पीड इज कमिंग इज 50 m/s. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. 6 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7. 7 में बोला गया कि 5 kg की बॉडी को स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंड किया है इंक्लाइंड प्लेन पर डायग्राम के अकॉर्डिंग. स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बतानी है मेरे को. तो मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, क्या बताएगा न्यूटन में mg sin 30 बताएगा. मास कितना दे रखा है 5, तो 100 sin 30, तो टेंशन की वैल्यू जो इस केस में आएगी दैट कम्स एज स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बात करनी है. 5 kg मतलब ये 50, sin 30 इज 1/2, सो द टेंशन रीडिंग ऑफ टेंशन इन दिस केस विल बी 25 N. चलिए अगले केस की बात करते हैं. 7th के बाद क्वेश्चन नंबर 8 कि एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है 30 i cap + 40 j cap से, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, जिस टाइम में y कंपोनेंट जो है ना वेलोसिटी का वो जीरो हो जाएगा. मैंने कहा देखो 5 kg की बॉडी है तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा -5/5 मतलब -1. इनिशियल वेलोसिटी है 40, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है -1, कितने टाइम में जीरो हो जाएगा, रिटार्डेशन से डिवाइड कर देंगे, सो द टाइम इन दिस केस कम्स एज 40 seconds. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक मशीन गन जो है वो 40 ग्राम की बुलेट को 1200 m/s वेलोसिटी से फायर करती है. द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स 144 N लगा सकता है, तो पर सेकंड कितनी बुलेट्स, मान लो n बुलेट्स हुई तो एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज कितने का हुआ, mv डिवाइड बाई टाइम दैट इज 1, और दिस शुड बी द इक्वल टू फोर्स. तो मुझे नंबर ऑफ बुलेट्स बतानी है, मास जो आया दैट इज 40 g और स्पीड जो आई दैट इज 1200. तो यहां से नंबर ऑफ बुलेट्स बतानी है जो मैक्सिमम बंदा जो होल्ड कर सकता है. देखो कट कैंसिल आउट हो गए, दिस इज 48, तो नंबर ऑफ बुलेट्स इज 144 डिवाइडेड बाय 48. सो द नंबर ऑफ बुलेट्स इन दिस केस, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स जो कि पर सेकंड फायर की जा सकती दैट्स विल बी 3. चलिए सर अगले केस की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, फिगर शोज़ ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 30 cm हैविंग ए मास ऑफ 3 kg. द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 N एंड 32 N. ओके, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 cm पार्ट ऑफ द रोड एंड द 10 cm पार्ट. मतलब इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताना है. सभी सर्फेसेस स्मूथ है और स्ट्रिंग्स एंड पुलीज जो है वो लाइट है. देखो सबसे पहले तो मैं कहूँ सिस्टम का एक्सेलरेशन जो होगा ना दैट एक्सेलरेशन विल बी 32 माइनस में 20 डिवाइडेड बाय द मास. मास 3 kg दे रखा है तो दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाई 3. एक्सेलरेशन कितना आया
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसके बाद 10 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक का मास कहोगे तो 1 केजी होगा। अब इस 1 केजी पर इधर कोई टेंशन लग रहा है और इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में 20 का लग रहा है, इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन इधर 1 है, तो ऑब्वियसली टी माइनस 20 इज इक्वल टू उसका मास 1 इनटू में एक्सेलरेशन दैट इज 4, तो टेंशन जो इन दोनों के बीच में निकल के आ रहा है दैट टेंशन इज कमिंग एज 24 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि तीन ब्लॉक्स हैं एबीसी और पुली P2, इनकी वेलोसिटी इस डायग्राम में शोन है और हमें एक्चुअली में ब्लॉक सी की वेलोसिटी निकालनी है। देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी यदि अपन वर्चुअल वर्क वाले मेथड से करना चाहें तो एक्चुअली में जैसे देखो 10 मीटर पर सेकंड से पुली ऊपर जा रही है ना, तो इस पुली के ऊपर वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर एक वर्चुअल मास मान लो, ठीक है। अब उस वर्चुअल मास पे टेंशन किधर लग रहा होगा, बोले जी डाउनवर्ड लग रहा होगा। अब सुनो, इस पे टेंशन इधर क्या होगा टी, इस पे टेंशन इधर क्या होगा टी, इस पे टेंशन इधर क्या होगा टू टी, इस पे टेंशन इधर क्या होगा टू टी। तो इस ब्लॉक पर, इस जिस वर्चुअल मास की मैंने बात की है, उस वर्चुअल मास पर टेंशन डाउनवर्ड में कितना लग रहा होगा 40। बोले जी ठीक है, और मुझे समेशन टी डॉट वी बराबर जीरो लगाना है, तो इसके लिए अप्लाई किया तो इसके लिए तो आया माइनस 20 टी, इसके लिए अप्लाई किया तो कितना आया 10 टी, इसके लिए अप्लाई किया तो 2 टी इंटू वी सी, और इसके लिए अप्लाई किया तो माइनस 40 इंटू में 10 इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास जीरो। बोलो ठीक है क्या सर, अच्छा यहां से देखो 40, 60, 50, तो VC जो मेरे पास निकल के आ रहा है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 25 मीटर पर सेकंड, मतलब ब्लॉक C की वेलोसिटी जो है दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि ए मंकी इज कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी गई एक्सेलरेशन की, कब होगी जब स्ट्रिंग में, मतलब मंकी फ्री फॉल कर रहा होगा, क्योंकि यदि स्ट्रिंग में टेंशन रहा तो मंकी पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा ही लगेगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी से कम आएगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, जब टेंशन जीरो होगा, उस केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू जी, तो अपना स्मॉल एन कितना आ जाएगा दैट इज 1। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। देखो 13 वाले में यदि मैं बात करूं, मुझे इस केस में कुछ अरेंजमेंट दिया गया है, स्ट्रिंग में टेंशन को कैपिटल टी कहा गया है, फोर्सेज जो लग रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स वो F1 और F2 है। यदि मैं 0.2 के अकॉर्डिंग 4 केजी पर मैक्सिमम फ्रिक्शन देखता हूं तो 8 आता है, और 2 केजी पर मैक्सिमम फ्रिक्शन देखता हूं तो 2 आता है, मतलब यदि मुझे सिस्टम को मूव करवाना है तो इफेक्टिवली किसी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 10 से ज्यादा आना चाहिए 8 और 2। मेरे पास तो 10 और 2, तो रिजल्ट 8 ही बचा, मतलब सिस्टम मूव नहीं करेगा। अब सिस्टम मूव नहीं करेगा तो इस 4 केजी पर इधर अपन ने 10 न्यूटन लगा रखा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 8 लग जाएगा और स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो इधर भी 2। अब इधर 2 मतलब इस पर लगने वाला फ्रिक्शन कितना 0, तो एक फ्रिक्शन तो है 0, इस पर फ्रिक्शन लग रहा है 8, स्ट्रिंग में टेंशन है 2, तो इस वाले केस में अपने पास इस क्वांटिटी की वैल्यू सोल्व करने पर कितनी निकल के आ रही है दैट इज 6 न्यूटन। चलिए सर 13 के बाद नेक्स्ट वाले फोर्स की बात करें, क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि एक 4 केजी के ब्लॉक को 8 केजी के ब्लॉक पर रखा गया है और जो कि स्मूथ टेबल पर है, यदि मैं इस पर फोर्स लगाता हूं तो मैक्सिमम 12 न्यूटन के लिए साथ साथ मूव करते हैं। अब मैक्सिमम 12 के लिए साथ साथ मूव कर रहे हैं तो मैंने कहा कि इस केस में जो मैक्सिमम कंबाइंड एक्सेलरेशन आएगा वो 1 आएगा, और ये किसकी वजह से चलेगा, ये म्यू इनटू 4g की वजह से चलेगा, बोलो। और एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स को ma के इक्वल रखेंगे तो म्यू की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 8/40, मतलब म्यू इज कमिंग एज 1/5। अब जैसे ही म्यू मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/5 आया, फिर मैंने कहा a के बजाय अब फोर्स लगाना है किस पे, b पे, तो यदि आप बी पे लगाओगे तो कंबाइंड एक्सेलरेशन के लिए फिर अपने को पता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है म्यू जी, तो कंबाइंड एक्सेलरेशन के लिए मैक्सिमम फोर्स जो हो सकता है दैट इज 12 इंटू में म्यू इंटू में जी, मतलब कंबाइंड एक्सेलरेशन के लिए जो मैक्सिमम फोर्स हो सकता है दैट मैक्सिमम फोर्स इज 24 न्यूटन। हमें इसको 4x न्यूटन के फॉर्म में लिखना है, सो एक्स इज 6 और एक्स बाई 20 बताना है, सो 6/20 दैट वैल्यू इज 0.3। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 के बाद 15 में कहा गया है कि ए पाइवेटेड बीम ऑफ नेग्लिजिबल मास हैज अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड एट वुड मशीन सस्पेंडेड फ्रॉम द अदर, फ्रिक्शनलेस पुली हैज नेग्लिजिबल मास एंड डायमेंशन, ग्रेविटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, m2 की वैल्यू m1 के m3 के टर्म्स में दी गई और m1/m2 का रेशियो बताना है ताकि बीम के पास रोटेशन की टेंडेंसी ना हो। रोटेशन की टेंडेंसी कब नहीं होगी,
जब देखो M1GL इधर वाला टोर्क और इधर वाला टोर्क, इसमें टेंशन जो होता है वो 2m2m3g/m2+m3 होता है, तो इसमें जो टेंशन आएगा दैट विल बी 4m2m3g/m2+m3, और जब ये 4m2m3g/m2+m3 इनटू में l के इक्वल आ जाएगा, उस टाइम पर दोनों साइड में टॉर्क बैलेंस हो गया, तो इसके पास रोटेशन की कोई टेंडेंसी नहीं होगी। M3 के प्लेस पर M2/3 पुट कर दो तो यहां से ये रिलेशन M1 और M2 में आ जाएगा, जिसका रेशियो यदि अपन सोल्व करेंगे सो दिस रेशियो कम्स एज 3। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कहा गया है कि 5 kg के ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.09 है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे 4.5 आएगा। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर 3 और इधर 4, तो रिजल्टेंट कितना 5, 4.5 से ज्यादा तो बॉडी मूव करेगी, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट एक्सेलरेशन, दैट इज 4 - 5 - 4.5/5, सो द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज 0.1 m/s². चलिए सर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि एट रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन और ब्लॉक्स जो है ना वो 20 kg का इस पर ओपन एंड से 4 m की डिस्टेंस पर रखा गया है, म्यू 1.5 है और ट्रक रेस्ट से शुरू कर रहा है 2 m/s² के एक्सेलरेशन से, तो जब ब्लॉक गिर जाता है उतने टाइम ड्यूरेशन में ट्रक ने कितनी डिस्टेंस मूव की, वी हैव टू कैलकुलेट दैट डिस्टेंस। तो मैंने कहा देखो ब्लॉक की बात करोगे ना तो ब्लॉक पे इधर फोर्स कितना लगेगा एम ए, इधर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा म्यू एम जी, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो आएगा रिलेटिव स्टिक दैट इज एम ए माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम, मतलब a माइनस म्यूजी। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू दे रखी है 2 और म्यूजी की वैल्यू 0.15 इंटू जी की वैल्यू 10, मतलब रिलेटिविस्टिक एक्सेलरेशन जो आया वो 0.5 आया, मतलब 1/2। अब 1/2 में रिलेटिविस्टिकली कितनी डिस्टेंस चलनी है, रिलेटिविस्टिकली डिस्टेंस चलनी है 4 m की, तो 4 = 1/2 × 1/2 × t², तो टाइम की वैल्यू जो सोल्व करने पर आई दैट इज 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड में ट्रक कितनी डिस्टेंस मूव कर गया, that is half into में ट्रक का acceleration that is 2 into में 4 × 4, तो ट्रक मूव कर गया कितना 16 m। जैसे ही इसको 4x के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू अपने पास सोल्व करने पर 4 निकल के आ गई। बोलो क्लियर है क्या सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में कहा गया a body of weight 8 kg when placed in one pan and 18 kg when placed on other pan of a false balance, the beam is horizontal when both the pens are empty, okay, the true weight of the body जो दिया गया वो 4x दिया गया, अपने को x कैलकुलेट करना है। देखो इस सिचुएशन में जब मैं बात करूंगा ना, तो इस वाले केस में मतलब जैसे पहले मैंने वेट इधर रखा w और इधर मैंने मतलब कोई वेट लेकर आ रहे हैं उसमें बराबर में रखा, तो w × l1 जो है ना वो मेरे पास w1 × l2 के इक्वल हो जाएगा। फिर दूसरी बार मैंने क्या किया, इसको तो इधर ले आया और वेट दूसरी साइड में रखना शुरू किया, तो दूसरी साइड में w2 वेट आया, मतलब w2 × l1 जो मेरे पास आया वो w × l2 के इक्वल निकल के आया, और रोड हमेशा हॉरिजॉन्टल रेडी है, मतलब नेट टॉर्क कितना होगा 0, वही लगाया मैंने w × l1 = w1 × l2, और जहां l1 जो है ना बेटा वो ये वाली डिस्टेंस है और l2 जो है वो ये वाली डिस्टेंस है, दोनों को डिवाइड मार दिया, तो w² की वैल्यू जो मेरे पास इस केस में आ रही है दैट इज w1 w2, तो w इज कमिंग एज √w1 w2, तो वो जो वैल्यू आएगी दैट इज 12g जो 4xg की इक्वल आ रही है, फ्रॉम हियर आई कैन से कि स्मॉल x की वैल्यू जो निकल के आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 3। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में अपने को बोला जा रहा है कि डायग्राम में एक लिफ्ट जो है वो 2 m/s² के एक्सेलरेशन से डिसेंड हो रही है, ब्लॉक का मास 0.5 kg ए का, ब्लॉक ए पर ब्लॉक बी कितना एक्साइटेड बाई ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी बोल दो चाहे ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए बोल दो, बात तो एक ही है क्योंकि नॉर्मल तो बराबर लगता है। अब सुनो कैपिटल ए ग्राउंड से देखने पर एम जी इधर लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन इधर 2 है, तो मैं कहूं मास कितना दिया गया कैपिटल ए का 0.5, तो 0.5g माइनस में नॉर्मल इज इक्वल टू 0.5 × में उसका एक्सेलरेशन 2, ग्राउंड फ्रेम से देखने पर यही होगा, तो नॉर्मल की वैल्यू जो मेरे पास निकल कर आएगी दैट इज 5 - 1, सो द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज 4 N in this case. So 4 is the correct answer for this question. चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को।
क्वेश्चन नंबर 20 की यदि मैं बात करूं तो 20 में कुछ ऐसा बोला गया है कि डायग्राम में एक मास m1 = 1 kg है, m2 2 kg है, पुली जो है वो आइडियल है, बोथ मासेस टच द ग्राउंड एंड फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड ऑन द अपर पुली, इस पे लगाया है, प्लीज फाइंड द टाइम व्हेन m1 लूजेस कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर। देखो m1 फ्लोर से कॉन्टेक्ट लूज करता है, तो इधर यदि 2t लग रहा है तो इस पे इधर कितना लगेगा t, और फ्लोर से कॉन्टेक्ट लूज तब करेगा जिस टाइम पर आपका t जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, m1 g के इक्वल हो जाएगा। m1 कितना दिया गया, 1, मतलब टाइम की वैल्यू जब 10 सेकंड से इक्वल हो जाएगी, 10 सेकंड या इससे ज्यादा, देन m1 विल बी इन एयर एट एग्जैक्टली t = 10 सेकंड, द ब्लॉक विल लूज कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड। ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस डिस्कशन, मिलते फिर बाद में, तब तक के लिए गुड बाई।